एको ओंकार सतगुर प्रसाद जीवन वृतांत श्री गुरु अर्जन साहब जी लेखक प्रोफेसर साहब सिंह आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपवाली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म अस्थान गुरु अर्जन साहब जी दे पिता गुरु रामदास जी 12 सालां दी उम्रे गोइंदवाल आए सन। गोइंदवाल सन 1546 विच वसिया सी। गुरु अंगद साहब के हुक्म अनुसार गुरु अमरदास जी ने वसाया सी। उन्हां ही इन्हां नूं आख्या कि बासरके तों अपने साकां अंगां नूं गोइंदवाल लिया वसाओ। गुरु रामदास जी दा नानका पिंड सी बासरके। जदों 1541 विच इन्हां दे पिता जी दा देहांत हो गया, माता तां पहला ही गुजर चुकी सी, तां इन्हां दी नानी इन्हां नूं लाहौर तों बासरके लै आई। उस वेले इन्हां दी उम्र 7 साल दी सी। बासर के आउंदे ही इह गुरु अमरदास जी दी नज़रे पै गए। उन्हां नूं होणहार जापे पिता वाला निघा प्यार देना शुरू कर दिता। इसे तरह दुवली इह खिच इतनी वधी कि जदों गोइंदवाल वसिया तां गुरु रामदास जी नूं भी गोइंदवाल आ वसण दा मौका मिलिया। सन 1552 विच गुरु अंगद देव जी दी थां गुरु अमरदास जी गुरु बने। खडूर तों इह गोइंदवाल आ गए। अगले साल सन 1553 विच अपनी लड़की बीबी भानी जी दी शादी गुरु रामदास जी नाल कर दित्ती। गोइंदवाल गुरु रामदास जी दे घर 3 पुत्र जन्मे। सब तों छोटे गुरु अर्जन साहब जी सन। जन्म तारीख गुरु अर्जन साहब जी दा जन्म 19 वैसाख संमत 1620 नूं होया सी। चंद्रमा दे हिसाब उस दिन वैसाख सुदी 7 सी, भाव पूर्णमाशी तों पिछों 7वां दिन। ईसवी सन 1563 अते अप्रैल दी 15 तरीक सी। इत्थे इह गल चेते रखण वाली है कि गुरु नानक देव जी दा जन्म भी 15 अप्रैल नूं होया सी, पर उस साल उस दिन 20 वैसाख सी। एक होर सुवादली इतिहासक गल भी चेते रखनी कि गुरु अंगद साहब जी का जन्म भी वैसाख के महीने होया सी। गुरु नानक देव जी 20 वैसाख, गुरु अंगद साहब जी 5 वैसाख ते गुरु अर्जन साहब जी 19 वैसाख। गुरु अर्जन साहब जी के जन्म समय गुरु रामदास जी की उम्र 28.5 साल सी अते गुरु अमरदास जी उस वेले 84 सालां दे सन। बाल उम्र गुरु अर्जन साहब सब तो पहले गुरु सन जिन्हां नूं जमदिया ही गुरमत की गुड़ती मिली सी। गुरु अमरदास जी इन्हां दे नाने सन जो गुरु अंगद साहब जी की आग्ञा अनुसार गोइंदवाल विच रहायश बना चुके सन। सो गुरु अर्जन देव जी अपने नानके पिंड जमे अते नाना गुरु अमरदास जी की गोदी विच ही पले। पले तो वड्डे दोवें भरा बाबा पिरथी चंद अते महादेव भी गुरु गोद विच ही सन, पर दूजियां नाल प्यार हुंदियां भी प्यार दी असल बाजी गुरु अर्जन देव जी ही लै गए। नाने दोतरे दा परस्पर प्यार इतना वधिया कि इस दी बरकत नाल उच्ची मनुखता दे सारे गुणा दे अंकर इन्हां दे अंदर फुटन लग पए। गुरु अमरदास जी दी पारखू अख ने जिवें इन्हां दे पिता गुरु रामदास जी नूं 7 सालां दी उमरे ही पछाण लिया सी, तिवें इन्हां दे अंदरों भी फुट दी होणहारता उन्हां नूं दिसण लग पई सी। गुरु अमरदास जी दी होणहारता दे उस अंकर नूं होर वधीक प्यार जल पाते गए। 11.5 साल गुरु अर्जन साहब जी नूं गुरमत दी इह खुराक अपने नाना गुरु अमरदास जी तों मिलदी रही। सन 1574 तक जदों के गुरु अमरदास जी 1 सितंबर नूं ज्योति जोत समाए। 11.5 सालां दा बच्चा अयाण उम्रों लंघ चुकिया हुंदा है। उस दे कई लक्षण इस उम्र तक उगड़ आउंदे हन। उस दियां कई रुचियां दिस पैंदियां हन। होणहार बच्चे दियां रुचियां अते लक्षण तां इतना लिशकारा मारन लग पैंदे हन कि उसका जीवन रुख प्रतख पिया दिसदा है। गुरु की बाणी नाल गुरु अर्जन साहब जी दा अत दर्जे दा प्यार वेख के ही गुरु अमरदास जी ने आख दिता सी कि इह दोथा बाणी दा बोहथा भाव जहाज होवेगा। पिता गुरु दीयां जिम्मेवारियां विच दिलचस्पी गुरु अर्जन साहब दे पिता गुरु रामदास जी 1574 विच गुरु बने। गुरु अमरदास जी दी तजवीज़ अनुसार उन्हां
ਮਾਝੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਟਾਂ, ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਾ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਕਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਗੜ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਗੁਰਿਆਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਆਸਾਂ ਵੀ ਮਿੱਥਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਭੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਖਰਵੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਰਸਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਚਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਰਜਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਚੋਣ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤੁਰਤਾ ਗੁਰਤਾ ਲਈ ਫਬਵਾਂ ਗੁਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਖਲਕਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਵੇਂ ਪੱਲੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਦਰੋਂ ਸੰਮਤ 1638, ਅਗਸਤ ਸੰਨ 1581 ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਘੋਰ ਮਸੋਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਆਸਾ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖਾੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
गोइंदवाल जाके गुरु रामदास जी 2 अस्सू संमत 1638 1 सितंबर सन 1581 ज्योति जोत समा गए। भाईचारक मर्यादा अनुसार अजिहे मौके ते बरादरी दे लोग दसवें दिन इकट्ठे होके जानशीन नूं पग देंदे हन। इस दा भाव यह हुंदा कि जिस पुत्तर नूं पग दित्ती जांदी है बरादरी दे भरा भाई उस नूं उस दे पिता दी थां जायज़ हकदार मनदे हन। आम तौर ते यह पग वड्डे पुत्तर नूं ही दित्ती जांदी है। जदों बाबा पिरथी चंद जी ने पिता गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण दी खबर सुनी तां दस्तारबंदी वाले दिन वह भी गोइंदवाल पहुँच गए। बरादरी दे लोग वेख चुके सन कि गुरु रामदास जी ने अपने थां आप ही गुरु अर्जन साहब जी नूं थाप दिता सी। वह भी दस्तार गुरु अर्जन साहब जी नूं देना चाहते सन। बाबा पिरथी चंद जी ने शरीके भाईचारे नूं आख दिता मैं वड्डा पुत्र हाँ दस्तार मैनू मिले। नोट पाठक इत्थे यह चेता रखण कि इसे नगर गोइंदवाल विच जात अभिमानी ब्राह्मण ते खत्रियां ने गुरु अमरदास जी दे लंगर नूं बंद कराण लई कई साल सिरों परे जोर लाया सी। बाबा दातू जी नूं खडूर तों लिया के गुरियाई लई शरीक भी खड़ा कर दिता सी, पर सिखां दी दृढ़ श्रद्धा अगे उन्हां दी कोई पेश नहीं गई सी। लंगर तां गुरु रामदास जी दे वेले भी उही सी, पर जात अभिमानियां नूं कोई गुर शरीक ना लब्भा जिस नूं हथ ठोका बना के छेड़खानियां कर सकदे। गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण ते जदों दस्तारबंदी वेले बाबा पिरथी चंद जी ने झगड़ा खड़ा कीता तां जात अभिमानियां दीआं टट्ठियां मंद आसां नूं फिर ढारस मिलण दी संभावना हो गई। इतने चिर विच इह लोक गुरु घर दे विरुद्ध कुछ कु सरकारी रसूख भी बना चुके सन। उस नूं वरतण लई सिर्फ मौके दी उड़ीक सी। ਉਹ ਰਸੂਖ ਸੀ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੱਗ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਆਖਰ ਪੱਗ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। फिर भी यह गल किसे ना मनी कि गुरु रामदास जी दे पिछों गुरियाई बाबा पिरथी चंद जी नूं मिल सकती है। दस्तारबंदी दा इकट्ठ भट्टां दा आउणा जदों यह खबर दूर नेड़े सब थां अपड़ी कि गुरु रामदास जी अपने थां गुरु अर्जन साहब जी नूं थाप के आप गोइंदवाल जाके ज्योति जोत समा गए हन अते बरादरी वलों दसवीं उत्ते गुरु अर्जन साहब जी नूं भाईचारक मर्यादा अनुसार पग दित्ती जानी है, तां गुरु नानक देव जी दे कई नाम लेवा सिख उस समागम उत्ते पहुंचण लई घरां तों आए। उन्नी ही दिनी पट जाति दे कुछ प्रेमी सज्जण किसे महापुरख दे दर्शनां लई तीर्थां धर्म अस्थानां ते भाल कर रहे सन। इन्हां नूं इस भाल विच भटकदिआं 1 साल हो चुकिया सी, किते भी इन्हां दी निशा ना होई। जिथे भी इह गए कथनी वाले तां इन्हां नूं मिले, करनी वाला कोई ना लब्भा। सबब नाल गोइंदवाल नूं जांदा इक सिख जथा इन्हां नूं मिल गया, उस दे नाल इह भी गोइंदवाल आए। भट्टां ने अपने थां इह मिथ्या होया सी कि जिस गुरु दी सिख इतनी वड्याई करदे जा रहे हन उह कोई बड़ा बिरध जटाधारी साधु होवेगा, पर 18 साल दे इक गभरू नूं गृहस्थी लिबास विच वेख के हैरान जे हो गए। दर्शन कीते ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੱਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਹੈ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਵੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਬਖਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੋਰੇ ਧਰਮ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ
तपे अते गोंदे दी अगवाई विच सिरों परे जोर ला चुके सन अते मुकाबले विच बाबा दातू जी नूं गुरु बनाउण दे जतन भी कर चुके सन। अज फिर उही मौका उसे नगर विच आ बणिया। कई पुराने विरोधियां ने हाथ पैर मारे पर सिख संगतां नूं कोई डुला ना सकिया। इन्हां दूरों आए परदेसी भट्टां दे होके ने तां सब दियां आसां ते पाणी ही फेर दित्ता। सिख इतिहास विच भट्टां दे इह सवैये इक सोहणी यादगार हन जो दसदे हन कि विरोधता दे झक्खड़ झुलण ते भी किवें गुरु अर्जन साहिब गंभीरता विच रह के पर्बत वांग अडोल रहे अते गुरु नानक पातशाह दे घर दी जित होई। गुरु अर्जन साहिब ने भट्टां पासों उन्हां दे लिखे हुए सवैये लए गुरबाणी दे उस खजाने विच जमा कर ले जो उन्हां नूं गुरु रामदास जी तों मिलिया सी। जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ तैयार होई तां इह सवैये भी गुरु अर्जन साहिब ने उस विच दर्ज कर ले। इन्हां दे शुरू विच अपने वल्लों 20 सवैये लिख दित्ते। यह सारी घटना सन सितंबर 1581 दी है दस्तारबंदी दे वेले दी। नोट, जो सज्जन इस सारी घटना नूं होर विस्तार नाल पढ़ना चाहुंदे हन समझना चाहुंदे हन वह मेरे लिखे भट्टां दे सवैये सटीक दी सारी भूमिका पढ़न। दर्पण दी दसवीं पोथी विच भी यह सारी भूमिका दित्ती हुई है। प्रोफैसर साहिब सिंह, गुरु घर दी नाकाबंदी। शहर वसाने बड़ी भारी जिम्मेवारी दे काम हुंदे हन। जदों भी किते बहुत गिणती विच बंदियां दे किसे एक थां सदा लई वसण दा प्रबंध करीदा है तां उहनां दीआं हर किस्म दीआं शरीरक भाईचारक आर्थिक आदिक लोड़ां पूरियां करन वल भी ध्यान देना जरूरी है। ताहीआं जदों गुरु रामदास जी ने नगर गुरु चक वसाया तां इत्थे हर किते दे लोक वसाण दी कोशिश कीती। पिंडां विच तां सोच इशनान आदिक दे खास प्रबंध नहीं करने पैंदे। वसों तों बाहर नेड़े ही खुल्लियां पैलियां अते वगदे खूह हुंदे हन। मर्द इस्त्री बुढ़े बच्चे सब आसानी नाल अपनियां लोड़ां पूरियां कराउंदे हन। शहर विच पिंडां वाला सिलसिला नहीं फब सकदा। फिर ज्यों ज्यों नगर शहर दी वसों वधदी जाएगी गलियां बाजारां सड़कां दी सफाई अते लोकां दी सेहत दा भी वधीक ध्यान रखना पएगा। अजिहियां अनेकां शहरी लोड़ां नित उठदियां रहिंदियां हन जिन्हां दे पूरा करन लई काफ़ी माया दी लोड़ हुंदी है। गुरु रामदास जी ने नगर गुरु चक वसाया आप जमीन मुल लै के वसाया। उपर दसियां अनेकां शहरी लोड़ां वल ध्यान देना सतगुरु जी की अपनी जिम्मेवारी बन गई सी। इन्हां कम्मां लई वख-वख महकमे बनाने पैंदे हन। आमदनी दे वसीले भी पैदा करने पैंदे हन। चुंगी दा मसूल शहर दी भलाई वास्ते एक अत जरूरी मद है पर पंजे उंगलां इको जिड़ियां नहीं हन। जिथे माइक आमदन नाल वाह पवे उत्थे चंगे ईमानदार भी हो सकते हैं अते पैसे खाण वाले भी। सिख इतिहास दसदा है कि शहर के अजिहे मामलियां दा वधीक प्रबंध बाबा पिरथी चंद दे हाथ विच सी। जदों गुरु अर्जन साहब जी गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाण तों पिछों दस्तारबंदी की मर्यादा मुका के वापस गुरु चक आए तो बाबा पिरथी चंद जी ने शहर के आर्थिक प्रबंध में रोकां पाउणियां शुरू कर दित्तियां। वो ये रोकां पा भी सकते सन क्योंकि अगे ये काम उन्हां दी राही ही हो रहे सन। चुंगी आदिक की आमदन में बेईमानी करने वाले बंदे कुदरती तौर पर इन्हां दे ही साथी बनने सन। जात अभिमानी लोग भी बाबा जी की पिठ ठोकण विच ही अपनियां आसां पूरियां होण दे सुपने लै रहे सन। हुण तां उहनां नूं हौसला सी बीरबल की सहायता का भी। इन्नी दिनी बीरबल अकबर बादशाह दे नाल आगरे तों लाहौर आया होया सी। बाबा पिरथी चंद जी ने यह भी अंदाजा ला लिया सी कि शहर की आर्थिक गड़बड़ नाल कुछ लोग गुरु अर्जन साहिब वल्लों शरधा तोड़ लैणगे। उन्हां दी नित दी वधीकी दा सिट्टा आखिर यह निकलिया कि आमदन गुरु के खजाने वल जाणो बंद हो गई सी। गुरु अर्जन साहिब गंभीरता विच ही रहे, उन्हां कोई इतराज़ ना कीता। हालत इथों तक हो गई कि गुरु का लंगर निरोल उन्हां रस्तां ते चलण लग पिया जो शरधालु सिख भेटा दे तौर ते लियाउंदे सन। गुरु के लंगर दी कोई पतली हालत वेख के बाबा पिरथी चंद जी दा हौसला होर वधिया। जिन्हां लोकां नूं गोइंदवाल गुरु अमरदास जी का लंगर नहीं सी पाउंदा
उन्हां नूं गुरु अर्जन साहब का लंगर किवें सुखांदा। उन्हां भी बाबा पिरथी चंद जी नूं हल्लाशेरी दित्ती। हुण गुरु के लंगर की नाकाबंदी वास्ते पक्के बन्न नूं बंधे गए। बाबा पिरथी चंद दे धड़े नाल मिले हुए मसंद इस व्यौंत विच बड़े लाहेवंद सहायक साबित होए। यह मसंद शहर तों बाहर ही नवे आए सिखां नूं मिल पैंदे अते उन्हां नूं सतगुरु का दर्शन कराउण लई बाबा पिरथी चंद जी पास लै जांदे सन। विचारे उबड़ां नूं की पता कि कोई ठगी कीती जा रही है। वह सिख सारी भेटा बाबा पिरथी चंद जी नूं ही गुरु समझ के उन्हां अगे धर देंदे सन। जद रोटी खाण का वक्त आउंदा तां मसंद उन्हां नूं गुरु के लंगर गुरु अर्जन साहब के चलाए लंगर विच लै जांदे। आमदन बाबा पिरथी चंद जी नूं ते खर्च गुरु अर्जन साहब दे जिम्मे। इउं कद तक निभदी लंगर एक डंगी हो गया, वह भी छोलिया की रोटी। श्रद्धालु सिख हैरान सन कि यह की हो रहा है। वह अपने दिल के पातशाह गुरु अर्जन साहब वाल तक रहे सन, पर सतगुरु जी ने इतनी आत की वधीकी के विरुद्ध भी जुबान ना खोली। बलवंड सत्ते दारू सेवा। बलवंड सत्ता दोवें रबाबी गुरु अर्जन साहब के दीवान विच बाणी का कीर्तन करया करते सन। कीर्तन ही इन्हां दी आजीविका का वसीला सी। गुरु के लंगर की नाकाबंदी वाले ही दिन सन जदों सत्ते की लड़की का विआह आ गया। सत्ते ने विआह के खर्च पूरे करन लई गुरु अर्जन पासों माया मंगी। सतगुरु जी के विरुद्ध गुंदियां जा रही गोंदा का ख्याल रख के जे वह संग सरफे का खर्च मंगता तां झट लंघ ही जाता, पर उसने वध के छाल मारी। सतगुरु जी उसकी मूँह मंगी रकम दे नहीं सकते सन। बाबा पिरथी चंद जी और उसके साथियों नूं एक होर चोट करन दा मौका मिल गया। बलवंड ते सत्ते दोहां भरावां नूं सिखाया गुरु अर्जन साहब के समुंदरां वर्गे गंभीर दिल नूं ना समझते हुए रबाबियां ने कीर्तन करनों ना कर दिती। सतगुरु जी आप चल के उन्हां दे घर गए। वह मूर्ख सगों खरवे बोलां उत्ते आ गए। इत्थों तक कि गुरु नानक पातशाह जी की शान विच भी कबोल वरत्या कि साढ़े बजुर्ग भाई मरदाना जी ने कीर्तन ना किया हुंदा तां गुरु नानक साहब नूं भी कौन जानदा। बाबा पिरथी चंद जी अते उन्हां दे जात अभिमानी साथी विरोधियों नूं यकीन सी कि गुरु अर्जन साहब की गुरियाई उत्ते ये आखिरी चोट कारी साबित होवेगी। जदों सत्ते बलवंड ने गुरु अर्जन साहब का कहा भी मोड़ दिता तां सतगुरु जी ने सिखां नूं आग्या कीती कि आप ही कीर्तन करिया करो। गुरु नानक साहब की शान विच कबोल दे कारण सतगुरु जी ने सिखां नूं सत्ते बलवंड पासों कीर्तन सुणनों वरज दिता। कीर्तन करना सिखण विच उन्हां संगतां की आप अगवाई कीती, क्योंकि कीर्तन की गुड़ती विच पले हुए गुरु अर्जन देव जी राग विद्या विच काफ़ी निपुण हो चुके सन। उधरों भाई गुरदास जी आगरे तो वापस आए। आगरे वाल गुरु रामदास जी ने इन्हां नूं सिख धर्म का प्रचार करन भेजिया होया सी। जदों इन्हां नूं लंगर विच्चों छोलियां दी ही रोटी मिली तां सारी गल दा पता कीता। बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी अते होर श्रद्धालु मुखी सिखां ने रल के विचार कीती अते फैसला कीता कि बाहरों आए ओबड़ सिखां नूं बाबा पिरथी चंद जी अते उन्हां दे साथियां दे टपलियां तों बचाया जाए। उद्दम शुरू करन दी ही टिल सी, शहर निवासी तुरंत नाल हो गए। बाबा पिरथी चंद जी दे कोझे उद्दम लोकां दे दिलां विच उन्हां लई सतकार दे थां नफरत पैदा कर रहे सन। दिनां विच ही पासा पलट गया जदों भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी ते होर मुखी सिखां ने शहरों बाहर जा जा के नवे आए सिखां नूं असलीयत दसनी शुरू कीती तां बाबा पिरथी चंद जी दी लाई नाकाबंदी टुट गई। बलवंड अते सत्ते नूं ख्याल सी कि असीं विद्वान कीर्तनीए हां, सिख साढ़े घरीं चल के आया करनगे अते सानूं आजीविका वल्लों कोई थोड़ नहीं पवेगी, पर उन्हां दी इह आस पूरी ना होई। कोई भी सिख उन्हां नूं मूँह लाउण नूं तैयार ना होया। जदों इह रोटियों भी आतर हो गए तां लाहौर दे इक उग्गे सिख भाई लद्दा जी पास गए। भाई लद्दा जी दूजिआं दे अटके काम सवारन दे इतने आशक सन कि इन्हां दा नाम ही लद्दा परोपकारी पै गया सी। सत्ते बलवंड दी दशा देख के भाई लद्दा जी उन्हां दे नाल अमृतसर आए अते सतगुरु जी अगे बेनती कीती कि रबाबियां दी भुल माफ कर देण। गुरु सदा बख्शांद है,
जो सत्ते बलवंड नूं माफ़ी मिल गई तां उन्हां ने गुरु उपमा विच अठ पौड़ियां दी एक वार लिखी अते गुरु दरबार विच सुनाई। पहलियां तीन पौड़ियां बलवंड दियां हन, अखीरलियां पंज सत्ते दी। इस वार विच एक गल बड़े पते दी मिलदी है। बलवंड लिखदा है कि उच्च जातीए दोखी गुरु अंगद देव जी दे लंगर नूं वेख वेख के सड़दे सन। लंगर दी महिमा सुन वेख के उन्हां दे मूंह निराशता विच पीले पै जांदे सन। सत्ता लिखदा है कि लंगर तों सड़ के विरोधियां ने गुरु अमरदास जी उत्ते बड़े वार कीते, पर ओह इन्हां झुलदे झखड़ां दे टाकरे ते चट्टान वांग अडोल रहे। गुरु अर्जन देव जी ने यह वार श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कर दित्ती। गुरु घर दे विरुद्ध बाबा पिरथी चंद जी की अगवाई विच जात अभिमानी लोगों दीआं गोंदां दी नकामी दी इह वार एक अटल यादगार है। अप्रैल सन 1582 दे अंदर बाहर यह वार लिखी गई। नाकाबंदी की यह घटना कई महीने जारी रही सी। अक्तूबर 1581 तो लैके अप्रैल 1582 तक शहर की तरक्की अते संतोख सर पंजाब दे नक्शे ते वेखो। लाहौर तो बटाले तक 50 मीलों विच होर कोई तकड़ा नगर नहीं सी। उधरों ब्यास के कंडे गोइंदवाल तो सीधा पहाड़ पासे रावी तक भी यही हाल सी। माझे दी सारी वसों पिंडां दी सी। जदों गुरु रामदास जी ने गुरु चक की नींह रखी अते शहर निवासियां दीआं सब तरह दीआं लोड़ां पूरियां करन लई हर किस्म दे किते दे लोकां नूं इत्थे वसण लई प्रेरिया तां दिनां विच ही सधारण जिहे नगर तों इह वसों इक वड्डा शहर बनन लग पई। गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण तों पिछों 6-7 महीने तां बाबा पिरथी चंद जी अते गुरु घर दे होर विरोधियां दी करड़ी विरोधता दे कारण गुरु अर्जन साहब शहर की उन्नति वास्ते नवीआं व्यौंतां वल ध्यान ना दे सके, क्योंकि यह सारा काम रुपया मंगदा सी ते रुपए वलों नाकाबंदी होई पई सी। जदों भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी अते होर मुखी सिखां दे उदम नाल गुरु चक तों बाहर दीआं संगतां नूं असली हालत का पता लगा तां विरोधियां दी दाल गलनी बंद हो गई। हुण सतगुरु जी ने गुरु रामदास जी दे आरंभे काम नूं अपने हत्थां विच लिया। शहर दी वसों बड़ी छेती वध रही सी। इस वास्ते गुरु अर्जन साहब ने शहरों बाहर थोड़ी को वेत ते एक होर सरोवर बनवाउणा शुरू कर दिता। गुरु रामदास जी दा आरंभिया सरोवर अजे मुकम्मल नहीं सी होया। उस विच तां सतसंग वास्ते इमारत भी बननी सी, जिस दी सारी व्यौंत गुरु रामदास जी आप बना चुके हुए सन। बाहरों आउंदे सिखां दी पहली लोड़ सी जल दी, इस नूं महानता दित्ती गई। इस नूं मुकम्मल करन विच भी कई साल लग गए, क्योंकि चूने इटां आदकां दी लोड़ चुफेरे ही सी ते उस जमाने विच भठियां दा काम भी काली वाला नहीं सी। इस सरोवर दा नाम संतोख सर रखिया गया। हुण तां इह शहर दे अंदर हो गया है। वसों अगां अगां वधदी गई। हाल बाजार तों अगां कोतवाली है। कोतवाली तों दक्खण वल इह सरोवर है। इत्थे एक गुरद्वारा भी है जिस दा नाम टाली साहिब है। संतोख सर दी पुटाई अते उसारी दा सारा काम सन 1587-88 विच सिरे चढ़िया सी। दसवंध गुरु रामदास जी ने गुरु चक दीआं कई जनतक इमारतां दी उसारी वास्ते माया दी वधदी लोड़ वेख के प्रचारक मसंद मुकर्रर कीते सन, जो बाहरले इलाकियां दे सिखां पासों भेटा इकट्ठी करके लियाउंदे सन। तजर्बे ने दसिया कि कई मसंद सहजे सहजे उस रकम विच हथ फेरी भी करन लग पए। उधरों सिखां दी गिणती भी दिनों दिन बहुत छेती वधन लगी। पहलां भेटा दी रकम खास मुकर्रर नहीं सी हुंदी। हुण गुरु अर्जन साहब ने फैसला कीता कि हरेक सिख घराणा अपनी कमाई का दसवां हिस्सा सांझे पंथक कारजां लई गुरु गोलक विच भेजिया करे। दसवंध दी उस रकम नूं गबन तों बचाउण लई इह प्रबंध कीता गया कि हरेक मसंद उगराई हुई रकम का लिखती हिसाब भी रखे। इस तरह दसवंध भेजण वाले सिख अपनी दित्ती रकम अपने सामने ही वही विच दर्ज करा दिंदे सन अते ओह वही सतगुरु जी दे सामने पेश कीती जांदी सी।
उगराई लियाउण दा एक होर ठुक भी बन दिता गया। आम तौर ते विसाखी दे मौके ते मसंत गुरु चाक आउंदे सन, उन्हां दे नाल इलाके दे प्रेमी दर्शन अबलाखी सिख भी आउंदे सन, जिन्हां दे सामने उगराई दी रकम सुना दित्ती जांदी सी अते गुरु के खजाने विच जमा कीती जांदी सी। ज्यों ज्यों सिख वसों वधदी गई, मसंदां दी गिणती भी नालों नाल वधा दित्ती गई। माझा तां सिखी दा केंद्र ही बन गया। पंजाब दे बाकी इलाकियां विच भी सिख धर्म बहुत वधिया। हत्थां दी किरत करके वणज वपार वल हरेक गुरु साहब सिखां नूं खास तौर ते प्रेरदे रहे सन। गुरु अर्जन साहब दे वेले तक सिख पंजाब तों बाहर भी वणज वपार लई दूर दूर प्रांतां विच जाण लग पए सन। घोड़ियां दी खरीद वास्ते तां काबल ते काबलों परे बल्ख बुखारे तक सिखां दी आवाजाई सी अते उन्हां इलाकियां विच कई सिख अपनी पक्की रहायश भी बना चुके सन, जिन्हां दी संगत सदका उत्थे सिख धर्म होर फैलदा गया। नालों नाल मसंद अते दसवंद दा सिलसिला भी वधदा गया। अमृत सरोवर दरबार साहब अमृतसर शहर दी वसों वधण दे नाल नाल सरोवरां दी गिणती वधण दी संभावना भी बनदी जा रही सी। इन्हां दे वख-वख नाम भी रखे जांदे गए। जिहड़ा सरोवर गुरु रामदास जी ने आरंभ कीता सी ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਨ 1588 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੱਤਕ ਸੋਧੀ 5 ਸੰਮਤ 1645 ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਤਦੋਂ ਈਸਵੀ ਸੰਨ 1588 ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਲੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਲੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1550 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 11 ਅਗਸਤ ਸੰਨ 1635 ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਇਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 1570 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗੁਰੂ ਚੱਕ 1588 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਨ 1599 ਸੰਮਤ 1646 ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਉ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਗਊ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਪਿਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 30-32 ਮੀਲ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ 25-26 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 25-26 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 25-26 ਮੀਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਫੇਰੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 8 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝੀਵਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
दरबार साहब की शानदार इमारत नूं गौर नाल वेखो। काफ़ी समा ते काफ़ी मेहनत लैण वाला ये काम सी। सन 1590 विच ये इमारत मुकम्मल हुई। फिर गुरु अर्जन साहब ने माझे दे पिंडां वल ध्यान मोड़िया। अमृतसर दे चुफेरे ही रावी ते ब्यास दे कंढियां तक पिंड पिंड विच अपड़े। थोड़ा बहुत वखबा पा के सतगुरु जी ने सिख धर्म के प्रचार लई 10 साल पिंडां विच गुजारे, जिसका सिट्टा यह निकलिया कि सिख धर्म ने सदा लई माझे विच पक्कियां जड़ां फड़ लईआं। भाग ऊड़ा दक्षण पासे चना तो पारले सब हिंदू जट मुसलमान बन चुके सन। नाई शिंबे जुलाहे मोची आदक नीवियां जातां दे गरीब लोग तो उच्च जातीए हिंदुआं दी नित दी दुरकार तो बचण लई जटां तो भी पहला इस्लाम विच जा रहे। चना तो उरे रावी तक जट तो अध पछदे मुसलमान बन चुके सन, पर नाई शिंबे आदक उस इलाके विच भी हिंदू धर्म छड गए सन। रावी ब्यास दे विचकार अजे वह असर नहीं सी पिया। इस्लाम की तरक्की दे 3 मोटे मोटे कारण सन। नंबर 1, हिंदू उच्च जातियां लोकां दी शूदर अखवाउंदे लोकां नाल बद सलूकी। नंबर 2, इस्लामी हकूमत वालों लालच भरिया आसां। नंबर 3, मुसलमान पीरां फकीरां दी पेंडू अनपढ़ दिलां उत्ते पकड़। चना रावी दे इलाके विच जिहड़े जट हिंदू टिके हुए सन वह भी खालस हिंदू नहीं रहे सन। तकरीबन सारे मुसलमान फकीर सखी सरवर दे चेले बन चुके सन अते सरवरीए अखवाउंदे सन। सखी सरवर दी मन्नत विच हर जुम्मे रात वीरवार दी रात नूं भुंजे सौंदे अते नवीं सूई गां मैं दे दुध नूं अन्न नाल रलाउण तों पहलां खीर रिन्न के शेख फतेह दी गद्दी ते लै जांदे सन। हिंदुआं दीआं नज़रां विच शेख फतेह एक महान उच्ची शख्सियत सी, जिथे हुण तरन तार नगर है। इथों चढ़दे वल 4-5 मीलां दी वेथ उत्ते वह गद्दी चली आउंदी है। नगर बंडाले तों 1.5 मील की वेथ ते पिंड पखोके है अते पखोके दे नाल ही नहर दे कंढे उत्ते यह गद्दी है। हिंदू धर्म तों इस्लाम वाले पासे सरवरिया बनना पहला डंडा सी ते अगला कदम मुसलमानी माता। सरवरिया की यह गद्दी माझे दे विचकार सी। हिंदू जनता नूं इस दे असर तो बचाउण लई सिख धर्म के प्रचार का केंद्र करतारपुर रावी तो खडूर लियांदा गया सी। अमृतसर का केंद्रीय अस्थान बना के गुरु अर्जन साहब ने अपना सारा ध्यान इस वड्डे काम वल परताया। पहला गुरु रामदास जी दे सिख भाई हंधाल दे नगर जंडियाले गए। इथों पिंड खार पहुँचे दुआले दे पिंडां वालियां तो जमीन लैके गुरु अर्जन साहब ने तरन तारण नगर की नींह रखी अते एक वड्डा सरोवर बनवाउणा शुरू किया। सिख इतिहास अनुसार यह काम संमत 1647 सन 1590 विच आरंभिया सी। तदों विसाख का महीना सी। तरन तारण का नगर बनना असल विच सरवरिया के रसूख उत्ते भारी चोट सी। शेख फतेह की गद्दी वाले भी अवेसले नहीं सन। गोइंदवाल गुरु अमरदास जी के लंगर के विरुद्ध खोजियां दी छेड़खानी विच भी इन्हां सरवरियां फकीरां दा हाथ सी। जदों सरोवर नूं पक्का करन लई इट्टां दे आवे पकाए गए तां इन्हां दी शह ते उस इलाके दे एक मुसलमान हाकम नूरदीन दे पुत्तर अमीर दीन ने वह सारियां इट्टां बदो बदी अपनी हवेली नूं लवा लईआं। सरवरियां दी इस विरोधता दे हुंदिआं भी सिख धर्म दा इह नवां प्रचार केंद्र दिनों दिन चमकिआ। इत्थे एक होर गल भी चेते रखण वाली है। सरवरीए फकीर जाणदे सन कि सिख धर्म उन्हां दी हस्ती वास्ते एक भारा खतरा है। इस वास्ते वह अपने हिंदू जट मुरीदां दे दिलां विच सिख धर्म दे विरुद्ध वोले ख्याल भरन लई पूरी वाह लांदे रहे। इत्थों तक कि खालसा सज्जणा तों पिछों भी जे कोई सिंघ सरवरीए जट दे मुंडे दा नाम सिंघ आख के बुलाउंदा सी तां उस दे मापे अगों लड़न पैंदे सन। सरवरीए जटां दे पिंडां विच इह गल हुण तक वेखण विच आ रही है। तरन तारण तों गुरु अर्जन साहब जी खडूर अते गोइंदवाल तक दुआले दे सब पिंडां विच सिख धर्म दा प्रचार करदे रहे। नगर सरहाली तों नेड़े एक पिंड खानपुर विच बनिया होया गुरद्वारा चोला साहिब उस समय दी इतिहासक यादगार है।
गुरु अर्जन साहब उस पिंड भी गए सन। पिंड की एक माई सतगुरु जी वास्ते चूरी कुट के लियाई सी, जिस करके नाम चोला भाव स्वादला भोजन रखा गया। भाग ऐड़ा ब्यासा तो पार तक चढ़ते पासे सखी सरवर का असर सारे पंजाब उत्ते ही सी। दुआबे ते मालवे विच माझे नालों भी वधीक डूंगा सी। ब्राह्मण ही हिंदू धर्म के नेता सन, उन्हें इस खतरे नूं गौलिया ही ना। एक तां उह उंज ही जट्टां नूं शूद्र श्रेणी विच गिण रहे सन, दूजे उन्हां दी अपनी जाति पूजा मानता विच कोई फर्क नहीं पै रहा सी। सर्वरीए लोग हिंदू दिन तिहारां समें ब्राह्मण नूं मत्था टेक दिंदे सन अते हर जुम्मे रात वीरवार सखी सरवर दी मन्नत मना लेंदे सन। हिंदू धर्म दा कोई दर्दी आगू ना होण करके सखी सरवर दा रसूख पक्कियां जड़ां फड़दा गया। माझे विच तां गुरु अंगद साहब दे वेले तों जतन कीते जा रहे सन। हुण गुरु अर्जन देव जी ने ब्यासा तों पार लंघ के दुआबे विच भी सिख धर्म दा प्रचार केंद्र बनाउण दा फैसला कीता। सरहाली चोले आदिक तों हुंदे होए सतगुरु जी ब्यासा तों पार लंघे। संमत 1650 सन 1593 विच आप ने नगर करतारपुर दी नींह रखी। मगर दा महीना सी, एक खूह भी लवाया जिसका नाम गंगसर रख्या गया। दुआबे दे पिंडां विच गुरु अर्जन साहब ने साल को प्रचार किया। अनेकां भुल्लड़ जट सरवरियां दा पासा छड के सिख बने, जिन्हां विचों भाई मंझ दा नाम सिख इतिहास विच बहुत उगा है। भाग ईड़ी अमृतसर तों लहिंदे पासे दुआबे तों आ के सतगुर थोड़े एक दिन ठहर के सन 1594 विच गुरु अर्जन साहब लहिंदे वल दे इलाके वल चल पए। पक्का डेरा पिंड वडाली रख्या। वडाली अमृतसर तों लहिंदे पासे 4 मीलां दी वेथ ते है। इत्थे 21 हाड़ संमत 1652 नूं गुरु हरगोबिंद साहब दा जन्म होया। चंद्रमा दे हिसाब हाड़वदी एक सी, भाव पूर्णमाशी तो अगला दिन ईसवी सन 1595 जून 19 तरीक अते वीरवार दा दिहाड़ा सी। वडाली तो लहिंदे पहाड़ दक्षण दे पिंडां विच 3 साल सतगुरु जी ने प्रचार किया। पिंड पिंड अपड़े। इन्हां ही सालां विच पंजाब विच बड़ा काल पै गया सी। उदों इत्थे नहरां तां है ही नहीं सन, खूहां नाल खेती हुंदी सी। बहुती भोएं बैरानी सी, वर्खा दे आसरे फसल सिरे चढ़दी सी। पर 1595 विच बड़ी औड़ लग गई। 3 साल कटक दा काल पिया। काल दे नाल बीमारियां दा भी कुदरती मेल है। ढिड्डों भुखे लोग मरी दा सुखला शिकार बणदे हन। अजिहे बिपता दे समें ही लोग परमात्मा वल्लों डोल के पीरां फकीरां दे धागे तवीतां वल परत पिया करदे हन। गुरु अर्जन साहब ने पिंड पिंड पहुँच के दुखी लोगों नूं हौसला दिता ते खेतियां लई खूह लाउण दी प्रेरणा कीती। अगे तां दसवंध दी रकम दरबार साहब दे बण उत्ते खर्च हुंदी सी, हुण सतगुरु जी ने काल पीड़तां दी सहायता लई खर्चनी शुरू कीती। जिथे जिथे लोड़ जापी खूह लवाण विच इह रकम वरती। समें दी कठिनाई तक के 1 हाटे खूहां दी थां 2 हाटे 4 हाटे खूह वधीक लवाए गए सन, तां कि एक खूह तों 2-2, 4-4 खूहां दा काम लिया जा सके। वडाली तों लहिंदे पासे 6 हाटां वाला खूह भी उदों ही सतगुरु जी ने लगवाया सी। भाग ससा रावी दे नाल नाल लाहौर चूनिया बहाड़वाल दे इलाकियां विच। गुरु हरगोबिंद साहब 2 सालां दे हो गए सन जदों सन 1597 विच पिंडां दे 3 सालां दे लंबे चक्कर पिछों गुरु अर्जन साहब अमृतसर आए, पर इत्थे बहुता चिर ना ठहर सके। काल ने लाहौर शहर दी हालत बहुत ही तरसयोग बनाई हुई सी। पिंडां विच तां लोक औखे सौखे ढिड नूं माड़ा मोटा झुलका दे लैंदे सन, पर शहरां विच अन्न तदों ही आवे जे पिंडां विच खुले फसल होण। पंजाब विच सब तों वड्डा शहर लाहौर ही सी। उस समें दा एक मुसलमान इतिहासकार नूरुल हक लिख गया है कि भुख अते बीमारियां दे कारण लाहौर शहर दीयां गलियां ते बाजार मुरदियां नाल भरे रहिंदे सन। उहनां नूं शहर विच्चों चुक के बाहर दब्बण साड़न दा कोई तसल्ली बख्श प्रबंध नहीं रह गया सी। शहर दी इतनी भैड़ी हालत सी कि अकबर नूं भी आगरे तों लाहौर आउणा पिया।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਨ 1597 ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿਨੀ ਆ ਕੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਲਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੋੜ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਦਰ, ਜੰਬਰ, ਚੂਨੀਆਂ, ਬਾਹੜਵਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਸਬੇ ਸਨ। ਕਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪੀੜਤ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਦਰਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਨ 1598 ਤਦੋਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 1598 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਨ। ਇਸ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਔੜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖਲਕ ਸੇਵਾ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਗ ਹਾਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਸਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਨੌਰ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਠ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਹਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਸਮਝਾਇਆ। 2 ਕੁ ਸਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਨ 1601 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 1581 ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ
कि सतगुरु जी ने 22 मंजियां थापियां सन। गुरु रामदास जी ने जथेबंदी का इस तों भी वधीक प्रबंध किया सी अते मसंद दूर दूर इलाकों विच भेजे सन। सिखां विच अपने गुरु पातशाह वास्ते बड़ी डूंगी ते अतुट शरदा सी। ये ठीक है कि बाबा दातू जी ने बदोबदी गुरु बनने का यतन किया सी, पर दलेरी भी वह तदों ही कर सके जदों कुछ अस्थानक ब्राह्मणा ते खत्रियां ने छूत छात नूं कायम रखण दी तंग दिली विच आ के गुरसिखी की विरोधता शुरू की सी। अते बाबा दातू जी नूं अपनी मदद दे भरोसे दिते दवाए सन, फिर भी किसी सिख ने गुरु घर वालों मूँह ना मोड़िया। बाबा पिरथी चंद जी भी गुरु अर्जन साहब की विरोधता विच कामयाब होने लई गुरसिखां पासों किसी सहायता की आस नहीं रख सकते सन। दस्तारबंदी दे वेले उन्हां दस्तार वास्ते जो हाथ पैर मारे सन उस दे पिछे गोइंदवाल दे ब्राह्मणा ते खत्रियां दा हाथ सी। गुरु अर्जन साहब ने दस्तार उन्हां नूं ही दिवा दित्ती, पर निरी दस्तार लैण नाल ओह गुरु किवें बन जांदे। ज्यों ज्यों सिख ख्यालां दा प्रचार वधना सी जात अभिमानी लोकां दे छूत छात दे किले उत्ते वधीक सट्टां पैणियां सन अते उन्हां ने दिनों दिन गुरु घर की होर वधीक विरोधता करनी सी। जदों अमृतसर आ के बाबा पिरथी चंद जी ने नाकाबंदी शुरू की सी वह इकले एक काम नहीं कर सकते सन। सिख कौम विच कोई दो धड़े भी नहीं सन कि एक धड़ा दूजे की विरोधता करदा। खुल्लम खुल्ला कोई सिख जां मसंद बाबा पिरथी चंद जी दे नाल मिल के सतगुरु जी दे उल्ट नहीं जा सकता सी। गुरु का लंगर अजे भी उच्च जातीय लोगों की अखौती उच्चता उत्ते चोटा मार रहा सी अते सदियां तो उन्हां दे पैरां हेठ लताड़े बंदियां नूं बराबरी का हक दे रहा सी। उन्हां लोगों नूं अपनी उच्चता बचाण दी जे कोई आस सी तां इसे गल विच सी कि गुरु का लंगर बंद किया जा सके। बाबा पिरथी चंद जी की विरोधता का आसरा लेके जात अभिमानी लोगों ने गुरु का लंगर बंद कराने लई अपना पूरा जोर लाया। सतगुरु जी वेख रहे सन कि शूद्र अखवाउंदे लोग हुण जाग पए हन, हुण उच्च जातीए इन्हां नूं पैरां हेठ नहीं रख सकणगे। सो उन्हां ने विरोधियों नूं लम्मा रस्सा दे रखिया। भाई गुरदास जी आगरे तों आए, उन्हां बाबा बुढ़ा जी ते होर मुखी सिंघां नाल मिल के विरोधियों की यह सारी खेड मुका दिती। इस कला दे मुक्कण पिछों गुरु अर्जन साहब ने अमृत सरोवर संतोखसर अते दरबार साहब की उसारी दे काम शुरू करा दिते। दूर दरेडे इलाकियां तों सेवा करन लई हजारां सिखां दी आवाजाई शुरू हो गई। शहर विच गहमा गहमे हो पई, जिसके सामने ना उच्च जातीए अते ना बाबा पिरथी चंद जी की कोई छेड़खानी करन दा हिया कर सके। असीं पिछे वेख आए हाँ कि जदों इमारतां दे अरंभे काम 1590 तक सिरे चढ़ गए तां गुरु अर्जन साहब ने माझे दी पेंडू वसों नूं सरवरियां दे असर तों बचाउण लई लम्मा उद्यम शुरू कीता। श्री दरबार साहब दे रोजाना सतसंग दा प्रबंध भाई गुरदास आदि उगे सिखां दे सपुरद करके सतगुरु जी माझे दे पिंड पिंड विच अपड़े। सन 1595 विच 3-4 साला काल पै जाण करके गुरु अर्जन साहब नूं बाहर दा होर ही रुझेवां पै गया। सिखां दी गुरु घर विच शरदा ते वफादारी वेख के बाबा पिरथी चंद जी नूं अपने गुरु बनण दी तां कोई आस ना रही, पर चुके चुकाए अते ईरखा दे मारे हुण ओह अपने पुत्र बाबा मेहरबान जी दी गुरियाई दियां आसां धारन लग पए। सिख इतिहास लिखता है कि जदों पिंड वडाली सन 1595 विच बालक हरगोबिंद साहब दा जन्म होया तां बाबा जी ने अमृतसर तों इक दाई नूं थणा उत्ते जहर लवा के भेजिया तां कि बाल गुरु हरगोबिंद साहब दे मूँह विच अपना थण दे के उन्हां नूं जानों मार सके, पर वडाली अपण तक उस जहर दा असर दाई दे अपने उत्ते ही इतना हो गया कि वह मर गई। मरदी मरदी मंद करतूत दा सारा भेत दस गए। इतिहास ये भी दसदा है कि बाबा पिरथी चंद जी ने एक सपादे नूं वडाली भेजिया जो बालक नूं सप लड़ा सके। सप आम तौर ते बच्चियां उत्ते डंग नहीं चलाउंदे, कुछ रौला भी पै गया, सपादे ने भी भेद खोल दिता। सन 1597 विच गुरु अर्जन साहब परिवार समेत
अमृतसर आ गए। इत्थे बहुता समा ना ठहर सके क्योंकि बड़ी औड़ दे कारण पिंडां विच दाणे पट्ठे की बहुत तंगी हो गई। काल टुट के आ पिया अते सतगुरु जी काल पीड़ित लोगों की सहायता करन लई फिर चल पए। सिख इतिहास लिखता है कि इस थोड़े दे समें विच भी बाबा पृथ्वी चंद जी ने गुरु हरगोबिंद साहब की जिंदगी उत्ते एक होर वार करा दिता। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे खड़ावे नूं प्रेर के उस दे हथों जहर मिलिया दही उन्हां नूं खिलाउण वास्ती कोशिश कीती। बालक हरगोबिंद ने दही खाणों ना कर दिती। खड़ावे ने बदों बदी खवाउण दे यतन कीते। बालक ने चीक चिहाड़ा पा दिता। सतगुरु अर्जन साहब पहुँच गए। खड़ावा दुष्टता कमाउंदा सिरों फड़िया गया। ਇਹ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ। ਇਹ ਮੰਦ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਲ ਪੈ ਗਏ। ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, पर इस अनर्थ ने शहर विच हाहाकार मचा दिती। बाबा पिरथी चंद जी किसी नूं मूंह देण जोगे ना रहे। अपने परिवार नूं नाल लै के वह अपने सहुरे पिंड हेरी चले गए। हेर जिला लाहौर विच है, स्टेशन कोट लखपत तों 8 मील। यह जिक्र सन 1597 दा है। सरकारी रसूख की वरतों। बीरबल, असीं पिछे वेख आए हाँ कि सिख धर्म के प्रचार के राह विच रोकां पाण लई जात अभिमानी लोग बाबा पिरथी चंद जी की पिठ ठोक रहे सन। ये जात अभिमानी भी टप रहे सन किले दे जोर ते। वह किला सी बीरबल। बीरबल जात का ब्राह्मण सी। इसका असली नाम महेशदास सी। इह सन 1528 विच जम्मिया सी। पहला यह जयपुर के राजे भगवान दास पास नौकर रहा। राज दरबारां वास्ते एक चंगा फब्बवां गुणी आदमी सी। बीरबल नूं राग दी बड़ी सूझ सी, सियाणा कवि भी सी, हाजर जवाब सी ते मसखरा सी। जदों सन 1562 विच राजे भगवान दास दी वड्डी भतीजी दा डोला अकबर नूं दित्ता अते भगवान दास दे पुत्तर मान सिंह नूं शाही मुलाजमत मिल गई तां कुछ चिर पिछों भगवान दास ने बीरबल नूं भी अकबर दे दरबार विच अपड़ा दिता। अकबर नूं इस दे गुण पसंद आए जिस करके इसका चंगा मरातबा बन गया। 2000 का खिताब भी मिल गया। बीरबल कट्टड़ ब्राह्मण सी, शास्त्रां दीआं पाईआं लीहां उत्ते तुरन वाला। अकबर दे नाल जदों जदों ये लाहौर आउंदा रहा तां गुरु अमरदास जी दे लंगर दे विरोधी उच जातीए इस नूं मिल के सिख धर्म दे विरुद्ध इस दे कन्न भरदे रहे। बाबा दातू जी दे विरोध वाली घटना लंघ चुकी हुई सी। सीधा हाथ सिख धर्म उत्ते कोई पा नहीं सी सकदा। बीरबल ने अकबर नूं कई वारी यकीन दवाण दे जतन कीते कि गुरु नानक दे जा नशीन कुफर अते नास्तकता दा प्रचार कर रहे हन, पर अकबर दा मन ना मनिया। आखिर जदों बाबा पिरथी चंद जी ने गुरु अर्जन साहब की विरोधता शुरू की तां बीरबल नूं भी सिख धर्म दे राह विच रोकां पाउण दा मौका मिल गया। अजे बहुत साल नहीं सन गुजरे जदों गोइंदवाल दे जात अभिमानियां ने गुरु अमरदास जी दे विरुद्ध अत चुकी हुई सी। 1 सितंबर सन 1581 नूं गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण ते दस्तारबंदी दी रसम भी गोइंदवाल ही हो रही सी। काबल दे कुछ झगड़े तय करन लई अकबर भी अगस्त सन 1581 विच लाहौर आया। कई साल उसनू पंजाब विच ही रहना पिया। बीरबल भी नाल ही सी। बीरबल दी शह ते जात अभिमानियां ने बाबा पिरथी चंद जी नू चंगा चमकाया। इस तों पिछों गुरु अर्जन साहब अमृतसर आ गए। इत्थे भी बीरबल दी ही शह सी जिस दे आसरे बाबा पिरथी चंद जी कई महीने गुरु के लंगर दी मायक हालत नू पतला करन दे जतन करदे रहे सन, पर सिखां दी अतुट शरदा ने विरोधियां दा कुछ ना बन दिता। फिर भी बीरबल सतगुर दे विरुद्ध छेड़खानी खड़ी कराण दा कोई मौका खुंझण नहीं सी दिंदा। पिशौर तों दूर उतां पहाड़ वल पंजोकड़ा दरिया तों पारले पासे बजौर दा इलाका है।
पंज कोड़े तो चढ़दे वल सुवात दरिया तो उपर सुवात दा पठानी इलाका है। इन्हां इलाकियां दे यूसुफ जई ते मंदार पठान अकबर वास्ते सिर दर्दी दा कारण बने हुए सन। इन्हां दी खातर ते कश्मीर दे आकी सुल्तान यूसुफ खान दी खातर अकबर सन 1585 तो पंजाब विच आया होया सी। सन 1585 विच इन्हां पठाणा नूं सर करन लई अकबर ने फौज दे के अपने एक सरदार जैन खान नूं भेजिया। अकबर ने आप भी कुछ फौज समेत अटक जा के डेरे लाए। जैन खान नूं अपना पल्ला कुछ हौला जापिया, उसने होर फौजी मदद मंगी। अकबर ने बीरबल दी सरदारी हेठ कुछ फौज कली, पर बीरबल इस फौज समेत उत्थे ही मारिया गया। फरवरी सन 1586 दा जिक्र है। हेरी दुख निवारण। बीरबल दे मरण नाल बाबा पिरथी चंद जी दी मानो सज्जी बांह टुट गई। सरकारे दरबारे दौड़ भज करके उन्हां बीरबल दी राही होर कई हाकमां नाल गंढ तुप कर ली होई सी, जिन्हां विचों सुलह खां मोढ़ी सी। सुलह खां लाहौर रहिंदा सी। उस दी सहायता नाल बाबा पिरथी चंद जी ने हेरी बहुत सारी जमीन लै ली सी, उस विच खूह भी लवा ले सन। बालक हरगोबिंद साहब दी जिंद उत्ते वार कराण करके बदनामी दे कारण जदों इन्हां नूं अमृतसर छड्डणा पिया, ये अपने सहुरे पिंड हेरी चले गए। उत्थे भी बीरबल दी राही बणी सांझ दे आसरे ही हाथ पैर मारदे रहे सन। दरबार साहब दे मुकाबले उत्ते इन्हां हेरी इसे नमूने दा सरोवर ते धर्म अस्थान बनवाउणा शुरू कीता। अजिहियां वड्डियां इमारतां बादशाही प्रबंधां नाल सिरे चढ़दियां हन जां जनता दे प्यार ते मिलवरतन नाल? सिख जनता तां बाबा पिरथी चंद जी दे नाल है ही नहीं सी। सरकारी रसूख ते सहायता नाल ही इह ढोंग खड़ा कीता। पर निरे मंदर दे आसरे सिखां दा दिल किवें खिच सकदे? सिख इतिहास लिखदा है कि बाबा पिरथी चंद जी ने उस सरोवर दा नाम दुख निवारण रखिया। माया दा लालच दे के कई मसंद दूर दरेडे इलाकियां विच भेजे अते सिखां विच इह मशहूर कीता कि गुरु नानक साहब जी दे हुक्म अनुसार यह सतयुगी तीर्थ प्रगट कीता है, पर यह दुकान बहुता चिर ना चल सकी। सुलही खां बाबा पिरथी चंद जी दे पास हेरी इतनी जमीन ते जायदाद सी कि बड़े अमीरी ठाठ विच रह सकते सन, पर उन्हां दे हिरदे विच गुरु अर्जन साहब दे विरुद्ध ईरखा दी इतनी अग मच चुकी सी कि वह अपनी जायदाद नाल संतोखी ना होके पहला कदे वह सुपने लै रहे सन कि गुरु अर्जन साहब तो पिछों उन्हां दा लड़का मेहरबान गुरु बनेगा, पर बालक हरगोबिंद दे जन्म ने उन्हां दीआं इन्हां आसां उत्ते पाणी फेर दिता सी। आखिर सतगुरु जी नूं डूम डरावे देण लई लाहौरों सुलह खां नूं लै आए। अकबर तदों पंजाब तो वापस आगरे जा के अगां दक्षण वल चला गया होया सी। लाहौरों आउंदा रस्ते विच सुलह खां हेरी आ ठहरिया। बाबा पिरथी चंद जी ने इट्टां दे पट्ठे चढ़वाए हुए सन, सुलह खां नूं विखाण लै गया। सुलह खां घोड़े ते चढ़िया चढ़ाया ही पट्ठे ते जा चढ़िया। घोड़ा पट्ठियां दी अग दे कारण त्रबक पिया। बलदे पट्ठे विच सुलह खां समेत जा पिया अते दोवें सड़ के सुआह हो गए। बाबा पिरथी चंद दी इह आस भी अध वाट्यों टुट गई। जदों सिखां ने सरकारी हाकम सुलह खां दे चढ़ आउण दी खबर सुनी सी तां कई सिख बहुत ही घबराए सन, क्योंकि मुस्लिम राज दा हिंदू जनता उत्ते बड़ा भारी दबाव पिया होया सी। कई सिखां ने सतगुरु जी नूं सलाहां दित्तियां सन कि सुलह खां दा गुस्सा मठा करन लई अगों वांडी कोई दो सिख भेजे जाण जां कोई चिट्ठी लिख के भेजी जाए, पर सतगुरु जी ने सब नूं हौसला दिता सी ते आख्या सी कि असीं किसे उत्ते कोई वधीकी नहीं कर रहे, इस वास्ते सानूं करतार उत्ते भरोसा रखना चाहीदा है, उही साडे सिर उत्ते राखा है। यह पहला मौका सी जदों निक्की जिही सिख कौम दी सरकारी हाकमां नाल सीधी टक्कर हो जाण दी संभावना हो गई सी। गुरबाणी विरुद्ध शिकायतां। असीं पिछे वेख आए हाँ कि गुरु अर्जन साहब जी ने सन 1590 तो 1601 तक 10-11 साल माझे दे पिंडां विच रहे। पाठक यह भी पढ़ चुके हैं कि बाबा पिरथी चंद जी ने गुरु बनने लई गुरु अर्जन साहब की विरोधता विच सिरों परे जोर ला दिता। असीं यह भी वेख चुके हाँ कि गुरु रामदास जी ने बाणी का वह सारा संग्रह
गुरियाई देने वाले गुरु अर्जन साहब जी दे सपुरद कर दिता सी, जिस विच उन्हां दी अपनी सारी बाणी, पहले तीन गुरव्यक्तियां दी सारी बाणी अते भगतां दी बाणी सी। गुरु घर का सब तो वड्डा कीमती खजाना यह बाणी ही सी। यह नहीं हो सकता सी कि अमृतसर तो 10-11 साल बाहर रहण वाले समय बाणी का यह कीमती खजाना अमृतसर विच ही पिया रहण दिता जांदा। एक तो सतगुरु जी आप इनू हर रोज़ पढ़ते विचारते सन, दूजे ये बाणी ही गुरमत के प्रचार का वसीला सी, पिंडां दी जनता नू ये सुनाई जानी सी। तीजे जेडे बाबा पिरथी चंद जी गुरु अर्जन साहब जी पासों गुरता दी कामयाबी का हरेक वसीला खोहण लई जोर लांदे रहे, जिन्हां ने बालक हरगोबिंद साहब की जान उत्ते वार करनों भी संकोच ना किया। वह मौका मिल सकन ते सारे गुर व्यक्तियां दी बाणी उत्ते कब्जा क्यों ना कर दे। जदों बाबा पिरथी चंद जी ने वेख्या कि सिख गुरबाणी पढ़न सुनन विच बहुत दिलचस्पी लैंदे हन, तां उन्होंने भी आप गुरु नानक देव जी का नाम वरत के कविता लिखनी शुरू की। पर जे गुरता वाले गुण पले ना होण तां निरी कविता कादी खिच पाए। इस उद्यम विच भी निराशता ही हासिल होई। असी वेख आए हाँ कि पंजाब विच सख्त औड़ दीआं खबरां सुन के अते खास तौर पर लाहौर की बहुत भैड़ी हालत सुन के अकबर सन 1595 विच फिर पंजाब आया सी अते 1598 विच वापस आगरे गया सी। लाहौर के काल पीड़ित लोगों की मदद करन लई गुरु अर्जन साहब भी उत्थे 8 महीने रहे सन। अकबर तो यह गल लुकी छिपी नहीं सी, फिर भी लालच ते ईरखा बुरी बला है। बाबा पिरथी चंद जी ने जदों ये वेख्या कि उन्हां दी अपनी कविता सिख जनता नूं कोई खिच नहीं पा सकी, तां उन्हां अपने मित्र सरकारी कर्मचारियों दी राहीं अकबर दे कान भरने शुरू कीते कि गुरु अर्जन साहब हिंदू धर्म ते इस्लाम दे विरुद्ध अपनी बाणी दी राहीं प्रचार कर रहे हन। अजिहियां चुक्कां बीरबल भी दिंदा रहा सी, पर अकबर उत्ते कोई असर नहीं पै सकिया सी। हुण उसके विरोधियों की तसली करनी भी जरूरी समझी। जदों सन 1598 के अखीर विच लाहौर तो दिल्ली नू वापस जाता अकबर गोइंदवाल पड़िया, तदों गुरु अर्जन साहब जी भी जंबर बाहड़वाल चूनिया आदि के इलाके विच दी होके गोइंदवाल आए हुए सन। इत्थे मिलन का सबब बन गया। हुण तक गुरु अर्जन साहब जी पास निरी पहले 4 गुर व्यक्तियां ते भगतां दी ही बाणी नहीं सी। इतने सालों विच वो आप भी बहुत कुछ लिख चुके सन। 17 साल थोड़ा समा नहीं है, 6000 दिनों विच भंडार भरिया जा सकता है। बाणी का इश्क तो उन्होंने 11 साल की उम्र तक ही बन चुकया सी। अकबर ने बाणी का वह सारा संग्रह वेख्या, कई शब्द सतगुरु जी पासों सुने, अपने हथीं वरके परत के भी पढ़ाए। गुरु नानक पातशाह जी की तलीम उस नूं सरबत दे भले वाली प्रतीत हुई। अकबर सुन के खुश होया। गुरु अर्जन साहब की प्रेरणा ते काल पीड़ित पंजाबियों का बहुत सारा मामला भी माफ कर दिता। बाबा पिरथी चंद जी दे सब मनसूबे मिट्टी विच मिल गए। अकबर फिर इस तों पिछों पंजाब वल नहीं आ सकिया। अमृतसर विच वापसी। असीं पिछे वेख चुके हाँ कि गुरु अर्जन साहब सारे माझे का 12 साल दौरा मुका के सन 1601 के शुरू में अमृतसर आ गए सन। सतगुरु जी की इस मेहनत ने माझे विच सिख धर्म दीआं जड़ां पक्कियां ला दित्तियां। ब्राह्मणा ते सरवरियां दे पैर इत्थों उखड़ गए। श्री दरबार साहब की इमारत मुकम्मल हो चुकी सी। सतगुरु जी ने इस विच रोजाना सतसंग की मर्यादा कायम की जो हुण तक चली आ रही है। बालक हरगोबिंद साहब नूं शीतला माझे दा 3-4 साल काल सन 1598 विच अजे जोरां ते सी। गुरु अर्जन साहब ने काल पीड़ित लोगों की मदद वास्ते यह सारा समा पिंडां विच गुजारिया सी। काल की बिपता दे नाल नाल एक होर भयानक बिपता भी काल पीड़ित लोगों उत्ते बेजवंग आ पैंदी है। भुख नाल कमजोर होए लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यही कारण सी कि लाहौर शहर दीआं गलियां ते बाजार सन 1598 विच कई महीने हर रोज़ मुरदियां नाल भर जांदे सन। गुरु अर्जन साहब लाहौर निवासी बिपता मारे बंदियां दी सहायता वास्ते 8 महीने लाहौर रहे सन। अजिहे समय आम तौर ते 2 बीमारियां मच पैंदियां हन, मौसमी ताप मलेरिया
ਅਤੇ ਸੀਤਲਾ ਚੇਚਕ। ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਾਪ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਫੱਬਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ 1601 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਤਲਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੁਹਾਰਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਛੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਭਰਵੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੂਕੀ ਅਤੇ ਬੇਸੁਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਫਲੂਹੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਲੂਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਘੂਕੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਹਿਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪੱਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਾ ਲਾ ਜਾਏ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸੇ ਮਲੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਦਰ ਨੁਮਾ ਪੱਕੀ ਬੁਰਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਫਲੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਨਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੂਹੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਟ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਲੀ ਮੱਖਣ ਮਿੱਟੀ ਰੋਟੀ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਪੜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੁਲੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਚਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਦਿਨੀ ਗੱਜਣ ਗੜਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ ਗੜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਅਪੜੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਣ ਲਈ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
सतगुर जी ने कई शब्द भी लिखे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज किए गए हैं। आदि बीड़ गुरबाणी संपादन। हुण तक हरेक गुर व्यक्ति की बाणी वक्री वक्री सी, है सी उंज राग वार ही। गुरु नानक साहब जी ने कीर्तन नूं परमात्मा विच प्रीत जोड़न दा सब तो सौखा रस्ता दसिया अते सारी उम्र विच इस रस्ते उत्ते चल के विखाया सी। गुरबाणी नूं राग विच गाउणा गुरु आशे अनुसार इसका नाम कीर्तन है। लोक राग नूं गंदे मंदे गीतां विच वरत वरत के शरीफ लोकां दे दिलां विच राग वलों नफरत पैदा कर चुके सन। ताहीं मुसलमानां ने तां इस नूं मकरूह ही कह दिता सी। इस तरह जगत उन्हां कोमल हुलारियां तों वांझिया जा रहा सी जो राग की बरकत नाल इंसानी दिल विच पैदा हुंदे हन। गुरु नानक साहब ने इस नूं मनुखता विच बहुत प्रधानता दिती। हुण कीर्तन ही सिखां दे सतसंगां दी जिंद जान है। राग दी इस प्रधानता नूं कायम रखण लई गुरु अर्जन साहब ने सब गुर व्यक्तियां दी बाणी रागां अनुसार ही नवें सिरों तरतीबवार करनी शुरू कीती। जिवें हरेक गुर व्यक्ति दी सारी बाणी पहलां वख-वख इकट्ठी सी, इसे तरह हरेक भगत दी बाणी भी वख-वख सी। इस नूं भी सतगुरु जी ने रागां अनुसार ही आपो अपने टिकाणे रख दिता। कविता दे दृष्टिकोण तों बाणी कई किस्मां दे काव्य छंदां विच लिखी हुई सी। शब्द अष्टपदियां छंत वार सलोक आदिक हरेक राग विच हरेक गुर व्यक्ति दे पहला शब्द इकट्ठे किए गए, फिर अष्टपदियां, फिर छंत आदिक। यह काम काफ़ी मेहनत का सी अते काफ़ी समा लैण वाला सी। सिख जनता की अगवाई दियां बाकी जिम्मेवारियां भी रोज़ करनियां हुंदियां सन। जदों सारी बाणी की नवी तरतीब हो गई तां सतगुरु जी ने इस नूं एक नवे रूप विच मुड़ लिखण लई भाई गुरदास जी नूं आग्या कीती। भाई गुरदास जी उस वेले सिखां विच चोटी दे उगे विद्वान सन। ये आप भी कवि सन। पंजाबी विच वारां अते ब्रज भाषा विच कबित इन्हां दे ये दो पुस्तक सिख जगत विच बड़े आदर सत्कार नाल पढ़े जांदे हन। गुरु रामदास जी ने इन्हां नूं आगरे बनारस आदिक वल सिख धर्म का प्रचार करन भेजिया होया सी। भाई गुरदास जी कई साल उस इलाके विच ये सेवा करदे रहे। सिख इतिहास लिखता है कि सारी बाणी नूं मौजूदा नवें रूप विच लिखण वास्ते शहरों बार एकांत थां चुनिया गया जिथे हुण गुरद्वारा ते सरोवर रामसर है। गुरबाणी नूं नवां रूप देण वेले रागां अनुसार करन तों इलावा एक होर तब्दीली भी कीती गई सी। पहलां हरेक गुर व्यक्ति दे सारे सलोकां दा संग्रह इको थां सी, वारां सिर्फ पौड़ियां सन। गुरु अर्जन साहब जी ने यह सलोक वारां दी हरेक पौड़ी दे नाल घट्टो घट दो दो दर्ज कर दिते। जिहड़े सलोक फिर भी वध रहे वह हरेक गुर व्यक्ति दा वख-वख संग्रह इस आदि बीड़ दे अखीर ते दर्ज कर दिता। पहला प्रकाश चंद्रमा दे हिसाब संमत 1661 दी भादरों वधी एक सी, भाव पूर्णमाशी तो अगला दिन सी। जदों भाई गुरदास जी ने सारी बाणी का उतारा खत्म किया अते फिर बाणी का तत्करा लिखना शुरू किया। ये गल उन्होंने तत्करे दे शुरू विच इउं लिखी है। सूची पत्र पोथी का तत्करा रागां का संमत 1661 मिति भादों वधी एकम एक पोथी लिख पहुँचे। इसका भाव यह है कि सारी बीड़ की लिखाई मुका के भाई गुरदास जी संमत 1661 भादरों वधी एक नूं तत्करे ते पहुँचे सन। भाई गुरदास जी के हत्थां दी लिखी बीड़ दे 974 पक्के पत्रे वरके हन। तत्करा लिखण वेले हरेक शब्द की पहली तुक लिख के उसके सामने पत्रे का नंबर दर्ज करना सी। यह सारा काम काफ़ी मेहनत का सी। इस उत्ते कई दिन लगने सन। फिर तत्करे समेत इस बीड़ की जिल्द बजनी सी। जिल्द सुकाउण लई भी एक दो दिन चाहिए सन। ये सारा काम भादरों वधी 15 तक मुकाया गया 15 दिनों विच। अगले दिन भादरों सुधी एक नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस आदि बीड़ का प्रकाश श्री दरबार साहिब विच कीता गया। बाबा बुढ़ा जी ग्रंथी बनाए। उस शुभ दिहाड़े की याद अज तक दरबार साहिब विच मनाई जाती है। भादरों सुधी एक हर साल बड़ा उत्साह किया जाता है। सिख इतिहास ने उगड़ के यह नहीं दसिया कि आदि बीड़ की सारी बाणी
भाई गुरदास जी ने कितने चिर च लिखी, पर बीड़ दे आकार नूं वेख के यह अनुमान लाया जा सकता है कि भाई गुरदास जी ने लिखण की यह मेहनत 1.5 साल की होगी। भाई बनों वाली बीड़ गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु अर्जन साहब तक हरेक गुर व्यक्ति गुरमत का प्रचार गुरबाणी की राही ही करते रहे, होर कोई तरीका हो नहीं सकता सी। दूर दूर इलाकों विच जिहड़ियां मंजियां थापियां गईयां, जिहड़े मसंद भेजे गए, वह भी छोटे मोटे गुटके पोथियां लिख के अपने नाल लै जांदे सन। वह समा छापे खाने का अजे है नहीं सी, हत्थी ही उतारे करने हुंदे सन। उस वेले दियां लिखियां पोथियां दूर दूर तक सारे भारत विच अनेकां सिख घराणियां विच हुण तक मौजूद हन। गुरु अर्जन साहब ने सारे गुर व्यक्तियों की बाणी अते भगत बाणी एक बीड़ विच इकट्ठी लिखा ली। इस समुची बाणी का प्रचार दूर दरेडे थाई सारी सिख जनता विच तदों ही हो सकता सी जे इस सारी बीड़ दे होर उतारे किए जाण। भादरों सुधी एक नूं आदि बीड़ का प्रकाश दरबार साहब विच कीता जाना सी। प्रकाश करन तों पिछों इस तों उतारा कीता जाना असंभव सी। तदों भाई गुरदास जी आदि बीड़ लिख रहे सन, उस वेले भी नालों नाल दूजा उतारा करना औखी गल सी। जदों थोड़ी को बाणी लिखनी रह गई तां गुरु अर्जन साहब ने दूजे उतारे वास्ते बहुते लिखारी ला दिते। उन्हां दे काम की निगरानी वास्ते जिला गुजरात के पिंड मांगड़ के रहने वाले सिख भाई बनों की सेवा लाई गई सी। सिख इतिहास उन्हां लिखारियां की गिणती 12 दसदा है, जिवें फारसी आदिक दियां किताबां लिखण दे काम नूं अनेकां कातबां ने अपनी आजीविका दा वसीला बनाया होया सी, उवें ही बाणी दे सुंदर गुटके ते पोथियां लिखण दा काम भी कई कातब लिखारी करिया करदे सन। उतारा किवें होया? जदों भाई गुरदास जी ने आदि बीड़ लिखणी शुरू कीती सी, उह अपने सामने पए हरेक राग दी समुची बाणी दा अंदाजा ला के कोरे वर्कियां दी एक थब्बी जुज सियू लेंदे सन। ये जांच लेंदे सन कि वरके घटण ना वध जाण विच कोई हर्ज नहीं। इस तरह छोटे वड्डे आकार दियां थब्बियां जुजां बणदियां गईयां। हरेक थब्बी दे अखीर ते कई वरके बच जांदे रहे, वह कोरे ही छड्डे गए। भाई बन्नो जी दे नगरानी विच दूजा उतारा कराउण लई सतगुरु जी ने वह थब्बियां उन्हां 12 कातमां विच वंड दित्तियां। जिहड़ा कम भाई गुरदास जी ने 1.5 साल विच कीता, यह 12 कातब रल के 1.5 महीने विच मुका सके। भाई बन्नों की निगरानी क्यों? भाई गुरदास जी अजे आदि बीड़ का अखीरला हिस्सा लिख रहे सन, फिर उन्हां तत्करा भी लिखना सी। नवें लाए 12 कातबां की निगरानी उन्हां दे जिम्मे नहीं लग सकती सी। मांगट वाले भाई बन्नों जी नूं यह काम सौंपिया गया। खारी बीड़, जिस कस्बे का नाम अजकल मांगट है उसका पहला नाम खारा सी। बड़े नेड़े दे समें तक खारा नाम ही प्रसिद्ध सी। इत्थों दी संगत का नाम खारे की संगत सी। भाई बन्नो जी संतान विच कई सजना पास गुरु साहबान के हुक्मनामे हुण तक मौजूद हैं। उन्हां विच उत्थों दी संगत नूं खारे की संगत लफ्जा नाल ही संबोधन किया होया है। सहजे सहजे नाम खारा मांगट पै गया, फिर निरा मांगट रह गया। असल गल ये सी कि उत्थों दे जट्टां दी गोद दा नाम खारा प्रसिद्ध हो चुकिया होया सी। उत्थों ही कस्बे दा नाम खारा पिया सी। खारा मांगट दे रहण वाले भाई बन्नो दी निगरानी विच दूजा उतारा होया सी। उस बीड़ दा नाम भी खारे दी बीड़ पै गया सी, फिर सहजे सहजे खारी बीड़ हो गया। असीं वेख आए हाँ कि आदि बीड़ दी सारी लिखाई भादरों वधी एक नूं मुक के उस दा प्रकाश भादरों सुधी एक नूं दरबार साहिब विच हो गया सी। भाई बन्नों दी निगरानी विच लिखाई गई बीड़ वाला उतारा असू वधी एक नूं खत्म होया सी अते फिर उसका तत्करा लिखिया गया सी। ये तारीख उस बीड़ दे शुरू विच लिखी हुई है। होर उतारे, भाई बन्नों गुरु अर्जन साहब जी की आग्ञा अनुसार ये बीड़ अपने पिंड मांगट जिला गुजरात लै गया। जिमें पहला बाणी के गुटके ते पोथियां सतगुरु जी की हदायत अनुसार उतारा किए जाते सन अते मसंद उन्हां दी राही दूर दरेडे इलाकों में गुरमत का प्रचार करते सन। हुण इस गल वल भी ध्यान दिता गया कि सारी बीड़ के उतारे भी किए जाण।
पर सारी बीड़ का उतारा बहुत लंबा वक्त मंगता सी। फिर भी चूंकि गुरमुखी लिखण वाले कात बथेरे बन चुके सन, सिख कौम की दिलचस्पी इस पासे दिनों दिन वधदी गई। मांगड़ तो पिछों होर पहले उतारे मांगड़ के इलाके विच ही हो सकते सन। गुरु अर्जन साहब जी की हयाती विच ही मांगड़ तो होर उतारे होने शुरू हो गए। बहुत तहसील फालियां पिंडी लाला अते वासु ये कस्बे जिला गुजरात विच हन। पहले उतारे इन्हां कस्बियां विच ही रखे गए। फालतू नकली बाणियां अजकल भाई बनोवाली अते कुछ होर लिखती बीड़ां दे अखीर विच गुरु नानक साहब जी दे नाम हेठ कुछ नकली बाणियां दर्ज मिलदियां हन। सारंग अते मारू राग विच भी राता को हाथ फेरी कीती मिलदी है। सिख धर्म दे विरुद्ध यह एक लम्मी गोंद दा नतीजा है। जो सज्जन इस नूं समझना चाहुण वह मेरी किताब आदि बीड़ बारे पढ़न। प्रोफेसर साहब सिंह गुरु अर्जन साहब दे विरोधी असीं पिछे वेख आए हाँ कि जदों तों गोइंदवाल विच जात अभिमानी ब्राह्मण खत्रियां अते उन्हां दे बने साथी खोजियां ने गुरु के लंगर की सम दृष्टा तो खिज के सिख धर्म की विरोधता शुरू की। वह विरोधता सहजे सहजे जड़ां फड़दी गई। शाही दरबार के कई कर्मचारी भी इस विच दिलचस्पी लैण लग पए सन। अकबर का मूँह लग बीरबल तो जद कदे सबब बनता सी अकबर के कान भरदा ही रहिंदा सी। पर अकबर बड़ा सियाणा नीतिवान सी। वह गुरु घर के विरुद्ध सुनिया शिकायतों सदा अणसुणिया करता रहा। गुरु अमरदास जी के लंगर विच उसने आप जाके वेख लिया सी कि हरेक मत अते श्रेणी की मनुखता का सत्कार किया जाता सी। गुरु अमरदास जी दे भेजे गुरु रामदास जी नूं वह पहला लाहौर मिल के उन्हां दे गुणा अते जीवन वालों तसली कर चुकिया होया सी। जदों पंजाब विच तीन साल काल पिया ते अकबर आगरे तो लाहौर आ गया उदों भी वह सुन वेख रहा सी कि गुरु अर्जन साहब ने माझे दे पिंड पिंड विच जा के काल पीड़ित लोगों की सहायता ते सही अगवाई की सी। जदों काल की पिछ लग मरी के कारण मुरदियां नाल लाहौर दियां गलियां ते बाजार तरक उठे सन उदों का भी अकबर नूं पता सी कि गुरु अर्जन साहब ने उत्थे 8 महीने रह के दुखी बंदियां दा दुख हौला करन लई दिन रात एक कीता होया सी। 1598 दे अखीर विच पंजाब तों आगरे वल जा के अकबर मुड़ पंजाब नहीं आया। उस दे जिउंदियां सिख धर्म दे विरोधी सिर ना चुक सके पर ईरखा दी अग अंदरों अंदर धुखदी रही। धुखदी रहनी है सी भी कुदरती। बाबा पिरथी चंद जी इस अग नूं धुखदे रखण लई हर संभव यतन करदे रहिंदे सन। पिछे वेख चुके हाँ कि जद लाहौर विच काल ते मरी दे कारण लोग बहुत दुखी सन, ईसाई पादरियां ने इत्थे आ के जतीमखाने खोले सन। यह ईसाई पादरी यूरोप के मुल्क पुर्तगाल विचों आए हुए सन। भारत के पछमी समुद्री कंढे उत्ते गोवा विच पुर्तगेज़ां ने अपनी बस्ती कायम की हुई सी। मिल मिला के इन्हां पादरियां ने अकबर पासों यह शाही लिखत भी लै ली हुई सी कि जे कोई मुसलमान दीन छड़ना चाहे तो उसके राह विच कोई सरकारी रुकावट ना होवे। ब्राह्मणा की जात अभिमानी की कुटल नीति के कारण नीवी जात वालियां दे सामने जो इस्लाम का सोहना चलकारा पहला वजा सी वह चलकारा हुण तक मुसलमान हाकमां दीआं बदकारियां ते अत्याचारां दे कारण मठा पै चुका सी। हिंदू तो मुसलमान बने कई बंदे ईसाई मत नूं पसंद करन लग पए सन। कई घराणे गुरु घर वल भी खिचे जा चुके सन। काजी मुलाणे लोकां वास्ते यह गल बड़ी असह सी पर अकबर की राजनीति उन्हां दी पेश नहीं जाण दिंदी सी। जदों अकबर की जिंदगी दे दिन मुकण ते आउंदे गए तां दरबारी मुसलमान अमीरां ने काजी लोकां दी प्रेरणा नाल जहांगीर दी तख्त वास्ते हमायत एक इस शर्त उत्ते भी मनी सी कि वह किसी मुसलमान नूं दीन छड्डण दी इजाजत ना देवे। सो दिलों जहांगीर भावें कुछ भी होवे उसने तख्त की खातर ये ढोंग कायम रखना सी। चंदू जिला गुरदासपुर के पिंड रोहेले का रहने वाला चंदू लाल खत्री किस्मत का चुकिया होया सहजे सहजे लाहौर सरकारी मुलाजमत विच जा अपड़िया। मुसलमान राज की लंबी गुलामी विच दबे हुए हिंदू समाज ने
अपनियां धीआं दी किस्मत दी वागडोर ब्राह्मणा ते नाइयां दे हाथ दे रखी सी। चंदू ने अपनी धी दा साक लभण लई लागी भेजे। सिख इतिहास लिखदा है कि ओह लागी अमृतसर आ के गुरु अर्जन साहब जी साहबजादे हरगोबिंद साहब नूं जोग वर जाण के पसंद कर गए। चंदू नूं इह जोड़ पसंद ना आया। उसने अहंकार विच आ के अपने आप नूं चुबारा अते गुरु नानक पातशाह दे घर नूं मोरी आख्या। फिर भी चंदू ने लागियां दी टुकी हुई गल प्रवान कर ली, क्योंकि उस नूं इह भी लालच सी कि गुरु घर विच धी नूं धन दी थोड़नी होवेगी अते सिखां दी मां अखवाएगी। दूजे पासे जिस अहंकारी ने गुरु घर नूं कंगाल फकीरां दा घर आख के सतगुरु नानक साहब जी की भारी नरादरी की सी, उस नाल सांझ पाउणी गुरु अर्जन साहब ने प्रवाना की। इस तरह अपनी ही मंद करतूत का फिटकारिया होया चंदू सतगुरु जी का दिलों वैरी बन गया। उसने होर भी कई सरकारी कर्मचारियों के दिल विच गुरु साहब के विरुद्ध जहर भर दिती। जहांगीर का तख्त उत्ते बैठना 17 अक्तूबर सन 1605 नूं अकबर आगरे विच सदा लई अखां मीट गया। उस दे थां उसका पुत्र सलीम तख्त उत्ते बैठा, जो जहांगीर के नाम नाल प्रसिद्ध होया। सलीम नूं तख्त वास्ते वरियां बद्धी तरले लैने पए सन, हीले हथ कंडे करने पए सन। यह 30 अगस्त सन 1569 नूं जमया सी। इसका प्यो अकबर सन 1605 विच मरिया। सलीम उस वक्त 36 साल का हो चुकिया सी। उसकी जवानी लंघती जा रही सी। उसनूं प्यो उत्ते गुस्सा आ रहा सी कि मरण विच क्यों नहीं आउंदा। अकबर ने राज भी तो 49 साल किया सी। सो सलीम ने सन 1601 विच बगावत भी कर दिती सी, पर मूँह दी खाणी पई सी। आखिर सन 1604 विच प्यो नाल ओपरी ओपरी सुलह कर ली। कई इतिहासकार लिखते हैं कि तखत की खातर सलीम ने अपने प्यो अकबर नूं एक वारी जहर भी दवा दिता सी, पर सूल नाल कुछ चिर बहुत तंग रह के आखिर अकबर बच गया सी। एक तां सलीम दे बुरे लेखां नूं प्यो मरन विच नहीं सी आउंदा, दूजा इस नूं एक होर सहम पै गया। उस नूं शक पै गया कि अकबर तां उस नूं तख्त तों उंज ही जवाब देण दीआं सोचां सोच रिहा है। ये शक है सी भी सच्चा। सलीम परले दर्जे का शराबी हो चुका सी। 17 साल की उम्र तक तो उसने शराब की कदे एक बूंद भी नहीं चखी सी, पर एक नौकर की प्रेरणा से जदों एक बारी शिकार तो वापस आ के मूँह ला बैठा, फिर तो शराब उत्ते लट्टू ही हो गया। इतों तक यह इलत वधी कि दिन में 5-5 सेर पक्के पी जाता सी। अकबर के 2 पुत्र मुराद ते दानी आल शराब के ढहे चढ़ के ही छेती मर गए सन। जदों उसने सलीम का यह भैड़ा हाल सुनिया तो वह सलाह कर लग पिया कि मेरे मरण पिछों सलीम दे थां सलीम के पुत्र खुसरो नूं तख्त दिता जाए। यह सोहां सुन के सलीम की हेक उत्ते तां मनो सप लेट गया। पर सलीम है सी बड़ा होशियार। अकबर के कई दरबारियों नाल उसने गंढ तुप कर ली। गोवा के ईसाई मत के पादरियों नूं भी कई झूठे सच्चे इकरार दे के अपने पक्ष ते कर लिया। उन्हां अगे ये भी लारे लाए कि मैनू ईसाई मत बड़ा प्यारा लगता है। इंग्लिस्तान विच तदों मलका अलिजाबेथ दा राज सी। पुर्तगेजां दी रीसे उसने भी हिंदुस्तान विच पैर जमाण लई तजारत करन दे बहाने अपने प्रतिनिध भेजे, जो सन 1603 विच लाहौर पहुँचे ते अगां अकबर पास आगरे गए। पुर्तगेज पादरियां दी शह ते अकबर अंग्रेजां नूं अजे लारे लप्पे ला रहा सी, पर सलीम ने उन्हां नूं अपना पक्षी बनाउण लई विच पै के तजारत दी इजाजत लै दित्ती। सलीम दे इह सारे उद्यम इस खातर सन कि उसदा हक खोह के उसदे पुत्र खुसरो नूं तख्त मिलन लगे तां इह सारे साथी वेले सिर काम आ सकण। खुसरो दी खातर सलीम नूं अकबर दे अखीरले दिनां विच गिरफ्तार करन दे हीले भी कीते गए सन, पर उसदे पक्षी दरबारियां ने वेले सिर खबर दे के उस नूं बचवा दिता सी। इस सारी दौड़ भाई दा सदका अकबर दे मरण ते सलीम जहांगीर नूं तख्त मिल ही गया, पर उसदे पुत्र खुसरो ने बगावत कर दिती। जहांगीर ने तख्त उत्ते बैठदिआं खुसरो नूं आगरे दे किले विच नज़रबंदी जही हालत विच रख्या होया सी।
ਖੁਸਰੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। 350 ਅਸਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਨਚਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 12,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸਰੋ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਸਰੋ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੁਸਰੋ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਉੱਤੇ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਹਿਕ ਸਹਿ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਅਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 2 ਤੁਰਨੇ ਸਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਬਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਸਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਨਾਹ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਨ 1605 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲਖ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੈਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਰ ਕਦੇ ਉੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੂਰਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਅਸਲ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
अमृतसर तो लाहौर मंगाया, गिरफ्तार करके तसीहे देने लई उन्हां नूं चंदू दे हवाले किया गया। यह जिक्र मई के अखीरले हफ्ते का है। अजकल दे हिसाब जून का दूजा हफ्ता सी। इत्थे इह गल चेते रखण वाली है कि जदों आगरे तो जहांगीर खुसरो का पिछा करके लाहौर नूं आ रहा सी तां रस्ते विच जिथे जिथे उस नूं खबर मिली कि फलाने थां फलाने शख्स ने खुसरो की सहायता की सी, उत्थे उत्थे उसने उन्हां लोकां नूं सजावां दे दित्तियां सन। थाने सर दे शायख नमाज़ ने खुसरो वास्ते रब की दरगाह विच दुआ की सी। जहांगीर ने थाने सर पहुँच के शायख नमाज़ नूं गद्दी तों ला दिता अते मक्के भेज दिता सी। दिल्ली लाहौर वाली शाही सड़क गोइंदवाल दे कोलों दी लंघदी सी। जहांगीर गोइंदवाल आके ठहरिया भी सी, पर किसी ने गुरु अर्जन साहब के विरुद्ध खुसरो की हमायत बारे कोई शिकायत नहीं की। कोई हमायत की होंगी तो कोई शिकायत भी करता ना ही। गुरु अर्जन साहब उन्नी दिनी गोइंदवाल सन। खुसरो दे नाल शामिल होए 12,000 साथियों विचों बहुते लुटमार की आस से शामिल होए सन। वह लोग राह विच लुटमार करते आए, खुसरो दे रोके वह रोकते नहीं सन, उसकी पेश नहीं सी जाती। सिट्टा यह निकलिया कि जिन्नी राही खुसरो लंघिया वह लुटे पुटे लोग खुसरो के विरोधी होंदे गए। जदों उसके पिछे पिछे जहांगीर उन्नी राही लंघिया तो लुटे पुटे लोग खुसरो की हमायत करने वाले बंदियां दे नाम जहांगीर नूं दसदे गए सन। तसीहे ते शहीदी चंदू ने गुरु अर्जन साहब नूं सड़दे उबलदे पानी की देग विच बिठाया। अगले दिन उन्हां दे नंगे पिंडे उत्ते सड़दी सड़दी तत्ती रेत पवाई गई। फिर उन्होंने लोह उत्ते बिठा के हेठां अग दा भांबड़ मचाया गया। सतगुरु जी का सारा पिंडा इन्हां तसीहां नाल छाननी छाननी हो गया। रोम रोम विचों लहू जारी सी। इस हालत विच उन्हां नूं लै जा के रावी दे ठंडे पानी विच बिठा दिता गया। जदों आप जी की जोत इस आसार शरीर नूं छड के रब्बी जोत विच जा रली तां आप दे शरीर नूं रावी विच ही रोड़ दिता गया। उस दिन संमत 1663 दे हाड़ महीने की पहली तारीख सी। चंद्रमा दे हिसाब जेठ सुदी चौथ सी, भाव मस्या तो पिछों चौथा दिन। ईसवी सन 1606 सी, मई की 30 तारीख। वली मियाँ मीर। मियाँ मीर वर्गे रब्बी आशक अते खलकत दे दर्दी नाल भला गुरु अर्जन साहब की डूंगी सांझ क्यों ना बनती। असी इस सांझ की नेड़ता वेख आए हाँ कि श्री दरबार साहब की नींह सतगुरु जी ने मियाँ मीर साहब के हथों रखवाई सी। जदों सन 1597-98 विच काल अते मरी दे कारण लाहौर निवासियों के दुख वंडन लई गुरु अर्जन साहब जी 8 महीने लाहौर रह के घर घर पहुँच के लोड़वंद दुखियों की हर किस्म की सहायता करते रहे सन। सतगुरु जी की वह बेमिसाल कुरबानी मियाँ मीर जी ने अखी वेखी सी, जिस दा सदका वह पहली सांझ इश्क प्यार विच बदल चुकी सी। जे किसी देश की हकूमत ने जनता दे किसी अजिहे आगू जां महापुरख उत्ते हाथ पाणा होवे जो हरमन प्यारा होवे तां इहो जिहा तरीका वरत्या जांदा है कि आम लोकां नूं छेती पता ना मिल सके। भड़की हुई जनता तो हाकमां नूं डर होना ही होया। जहांगीर गुरु अर्जन साहब नूं तसीहे दे के मारन दा हुक्म दे के आप तो उसे वेले लाहौर तो सिंध नूं चला गया। मुरतजा खां ने भी इस हुक्म नूं गुप्त रख के ही सतगुरु जी नूं लाहौर सद भेजिया। उंज दूरदर्शी गुरु अर्जन साहब सब कुछ जाण चुके सन अते अपने थां गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरु थाप के बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी आदिक मुखी सिखां नूं सौंपना कर आए सन। शख्शी राज सी किते कोई मुकदमा तां पेश होना ही नहीं सी। जो कुछ बादशाह हुक्म दे गया उस उत्ते अमल कीता जाना सी, जिस दी तैयारी आदिक पहलां ही कीती जा चुकी सी। चंदू नूं जाती बैर भी सी। सतगुरु जी दे लाहौर अपण दी ही ढिल सी कि तुरंत गिरफ्तार करके अंदर खाने कैर दे तसीहे देने शुरू किए गए। ये जुल्म अत्याचार लुकिया रहन वाला तां है ही नहीं सी। अमृतसर निवासियों नूं तां सतगुरु जी दे उत्थों तुरन ते ही हौल पै गया सी। लाहौर विच भी बिजली वांग घर घर खबर हो गई।
अजे 8 साल भी नहीं होए सन जदों कैर दे काल ते मरी दे दिनी यही गुरु पातशाह अपनी अपने इकलौते पुत्र अते अनेकां सिदकी सिखां दी जिंद तली उत्ते रख रखा के लाहौरी लोकां दी जिंद बचाण लई दिन रात एक करदा रहा सी। सारे शहर विच हाहाकार मच गया। हाकम तां हकूमत दे नशे विच सन, उह गरीब प्रजा दी क्यों सुन। गरीबां दा उत्थे इको एक दर्दी सी वली मियां मीर, उसनूं खबरां कीतियां गईयां पर उधर वैरी अपना काम कर चुके सन। उबलदी देग ते सड़दी रेत सतगुर जी दे सोहणे शरीर नूं निडाल कर चुकी सी। मियां मीर वाहो दा ही भज्जा आया। उस बुचड़खाने तक होर तां किसे दी पहुँच ही नहीं हो सकदी सी। सतगुर जी उत्ते होए जुल्मां दा प्रताप असर अखीं वेख के मियां मीर जी दे अंदर कातियां चल गईयां। कोई वड्डे तो वड्डा हाकम उन्हां दे सामने हील हुज्जत नहीं कर सकदा सी, पर वैरियां ने सब कुछ पहलां ही गिण मिथ रख्या सी जिथे मियां मीर दी भी पेश ना जा सके। इस अत्याचार दा हुक्म देण वाला बादशाह जहांगीर सी, जो आप उस वेले लाहौर विच है ही नहीं सी। वैरियां ने मियां मीर अगे अपनी बेबसी जहर कीती कि बादशाह दी हुक्म अदूली करन दी किसे नूं हिम्मत नहीं पै सकदी। इस तरह लाहौर निवासियां दे दिलां दा पातशाह उन्हां दे अपने ही शहर विच को के शहीद कीता गया। वैरियां ने उन्हां दे दिलां दी बलदी अग दी कोई परवाह ना कीती। थोड़ी को विचार जे पाठक रता गौ नाल सोचणगे तां प्रतख वेख लैणगे कि सतगुर नानक साहब जी दे वेले तो ही ज्यों ज्यों सदियां तो लताड़ी दे शूदर अखवाउंदे लोकां दी हालत नूं सुधारन दे जतन तेज कीते गए। गुरु नानक साहब की तालीम की विरोधता वधदी गई। जात अभिमानियां ने गुरु नानक साहब जी नूं कुराइया आखना शुरू किया। सतगुर जी ने रिश्वती मुसलमान हाकमां उन्हां दे साथी कुल घाती खतरियां अते उन्हां दे घरियां आ के खीरां खाण वाले ब्राह्मणां इन्हां सभनां दीआं कालीआं करतूतां खुल्लम खुल्ला नशर करनियां शुरू कर दित्तियां सन। सतगुरु जी शूदर हिंदुआं नूं मुसलमान बनण तों भी रोकण लग पए सन। इन्हां ही पूर्णियां उत्ते तुर के गुरु अंगद साहब ने लंगर दी मर्यादा हरमन प्यारी कर दित्ती सी, जिस करके जात अभिमानी लोकां दे मूँह पीले पैंदे जा रहे सन। गुरु अमरदास जी ने लंगर नूं होर वधीक चमकाया। नाल नाल माझे दी पेंडू जनता नूं सखी सरवर दे मुसलमानी असर हेठों कढ़न दे जतन कीते। जात अभिमानी ब्राह्मणा खत्रियां अते खोजियां ने रल के वाह लाई कि यह प्रचार का सोमा बंद हो सके। अकबर तक शिकायत लैके अपड़े। खडूर तो बाबा दातू जी नूं चुक चुका के गुरगद्दी उत्ते बिठाउण लई लै आए। गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण ते बाबा पिरथी चंद जी की विरोधता नूं होर चमकाया। अकबर दे मूँह लगदे दरबारी बीरबल की सहायता नाल बाबा पिरथी चंद जी की राही अमृतसर विच गुरु घर की कई महीने नाकाबंदी कराई रखी। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? गुरु नानक साहब जी की तालीम का सदका गरीब शूदर लोग अपने अंदर मनुखता का एहसास पैदा होया वेख के ब्राह्मण के धार्मिक जूले हेठों निकल रहे सन। इस्लाम के पहले पहले चलकारियां वालों भी खबरदार हो गए सन। मुसलमान बनने दे थां वह गुरु नानक पातशाह के झंडे हेठ आ के जात अभिमानियों का टाकरा डट के कर रहे सन। रिश्वती कर्मचारियों दीआं करतूतां भी समझ रहे सन। गुरु अर्जन साहब ने तो गुरु नानक साहब जी वाला यह प्रचार रोजाना कीर्तन वाली आसा की वार विच दर्ज कर दिता। सिख हर रोज़ सवेरे पढ़न लग पए मानस खाने करे निवास छुरी वगायन तीन गल ताग तीन घर ब्राह्मण पूरे नाद उन्हां भी आवें उही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर। आखिर इन्हां लोकां दा दा लग गया। जहांगीर दे पुत्र खुसरो ने बगावत कीती जिन्हां नूं गुरु नानक साहब जी की तालीम चुभ रही सी। उन्हां ने जहांगीर नूं पखाया कि गुरु अर्जन साहब ने भी खुसरो की सहायता कीती सी। सो सदियां तो पैरां हेठ लताड़ी दे गरीबां दी बांह फड़न करके गुरु अर्जन साहब जी ने जालमां दे दित्ते तसीहे
तीन चार दिन सहार के 30 मई सन 1606 नूं शहीदी पाई। शहीदी बारे गवाहियां भाग ऊड़ा तुझ के जहांगीरी विचले शब्द फारसी अखरां विच हन। उन्हां दा उलथा पंजाबी पाठकां दी सहूलत लई दिता गया है। पंजाबी उलथा इउं है। गोइंदवाल विच जिहड़ा कि ब्यास दरिया दे कंढे उत्ते है, पीरां बजुर्गां दे वेस विच अर्जन नाम एक हिंदू सी जिसने बहुत सारे भोले भाले हिंदुआं सगों मूर्ख ते बेसमझ मुसलमानां नूं भी अपनी रहत बहत दा शरधालू बना के अपने बली ते पीर होण दा ढोल बहुत उच्चा बजाया होया सी। ओ उस नूं गुरु आखदे सन। सभना तरफां तों फरेबी ते ठगी पसंद लोग उस दे पास आ के उस उत्ते अपनी पूरी शरधा प्रगट करदे सन। तीन चार पीढ़ियां तों उन्हां इह दुकान चलाई होई सी। ढेर समय तो मेरे दिल विच ख्याल उठ रहा सी कि इस झूठ की दुकान नूं बंद करना चाहीदा है जां उस गुरु नूं मुसलमानी फिरके विच लै आउणा चाहीदा है। मैं हुक्म दिता कि उस नूं हाजिर किया जावे ते मैं उस दे घर घाट ते बच्चे मुर्तजा खां दे हवाले कर दिते अते उस दा माल असबाब जबत करके हुक्म दिता कि उस नूं सियासत अते जासा दे कानून अनुसार दंड देण। पागैड़ा भाई रतन सिंह प्राचीन पंथ प्रकाश विच लिखदा है कि गुर अर्जन दरियाए ना बोड़ियो, कि गुर तेग बहादुर सीस न तोड़ियो, कि साहबजादे नाहे मराए, शीर खुर तोहे नाहे कुहाए। भाग ईड़ी दरिया रावी विच डोबण संबंधी मुंशी सोहन लाल भी उमदाह तुत तवारीख विच लिखदा है, बाद अज जहूरे बाजे मुकदमाते ना मुलायम जाते, आली रादर बहरे रावी अंदाख तंद। उलथा कुछ तसीहे देण पिछों उस महापुरख गुरु नूं उन्हां ने दरिया रावी विच सुटिया। गुरु अर्जन साहब दे कुछ कु गुर अस्थान। नंबर एक जन्म अस्थान गोइंदवाल, नंबर दो दरबार साहब अमृतसर। एक गुरुद्वारा गुरु अर्जन साहब ने आप बनवाया सी। नंबर तीन दरबार साहब तरन तार, गुरु अर्जन साहब ने यह गुरुद्वारा आप बनाया सी। नंबर चार गंगसर करतारपुर जिला जलंधर दुआबे विच यह केंद्र गुरु अर्जन साहब ने बनवाया सी। नंबर पांच गुरु का बाग सहसरा तहसील अजनाला जिला अमृतसर सतगुरु जी के उधर आगमन की याद विच। नंबर छे बौली साहब डब्बी बाजार लाहौर, गुरु अर्जन साहब ने आप बनवाया सी जदों काल ते मरी दे दिनां विच सतगुरु जी लाहौर 8 महीने रहे सन। नंबर सत गुरद्वारा डेरा साहब लाहौर, किले दे सामने ओह अस्थान जिथे गुरु अर्जन साहब नूं जहांगीर दे हुक्म नाल तसीहे दे के शहीद किया गया सी। गुरु अर्जन साहब की बाणी गुरु रामदास जी वांग गुरु अर्जन साहब ने भी 30 रागां विच बाणी लिखी जिसका वेरवा इउं है। शब्द 1385, अष्टपदियां 62, शंत 62। गुरु ग्रंथ साहब जी दियां कुल 22 वारां विचों गुरु अर्जन साहब दियां 6 वारां हेठ लिखे रागां विच दर्ज हन। गौड़ी, गुजरी, जैसरी, रामकली, मारू अते बसंत। इन्हां तों इलावा गुरु अर्जन साहब जी ने हेठ लिखियां उचेचियां बाणियां भी लिखियां। नंबर एक श्री राग विच पहरे एक शब्द, नंबर दो माझ विच 12 माह 14 पौड़ियां दिन रहन, नंबर तीन गौड़ी विच 52 अखरी 57 श्लोक अते 55 पौड़ियां, सुखमणी 24 श्लोक अते 24 अष्टपदियां थिती, नंबर चार आसा विच बिरहड़े 3 शब्द, नंबर पांच सूही विच गुणवंती 1 शब्द, नंबर छे मारू विच अंजुलियां 16-14 शब्द। रागां दे मुक्कण ते हेठ लिखियां होर उचेचियां बाणियां गुरु अर्जन साहब दियां हन। नंबर एक श्लोक संस्कृति 24, नंबर तीन फुनहे 23, नंबर चार चौ बोले 11, नंबर पांच सवैये 9, नंबर छे सवैये 11। इन्हां तों इलावा श्लोक भी हन जो वारां दियां पौड़ियां नाल दर्ज हन। उन्हां सारे श्लोकां की गिणती 255 है। इन्हां वारां तों वधे हुए श्लोकां दा संग्रह गुरु ग्रंथ साहब दे अखीर ते दर्ज है। उन्हां दी गिणती 22 है। सारे रला के
गुरु अर्जन साहब के 277 श्लोक हैं। इन्हां दीआं 6 वारां दीआं कुल 110 पौड़ियां हैं। नोट, गौड़ी की वार महला चौथा विच 5 पौड़ियां, गुरु अर्जन साहब जी दीआं सारंग की वार महला चौथा विच 1 पौड़ी, गुरु अर्जन साहब जी दी मलार की वार महला पहला विच 1 पौड़ी, गुरु अर्जन साहब जी दी कुल जोड़ पौड़ियां दा 117। नोट, श्लोक कबीर जी विच 5 श्लोक गुरु अर्जन साहब दे, श्लोक फरीद जी विच 8 श्लोक गुरु अर्जन साहब जी दे, कुल जोड़ श्लोकां दा 277 जमा 5 जमा 8 कुल 290 श्लोक। रागां अनुसार शब्दां अष्टपदियां ते शंतां दा वेरवा। नंबर 1 श्री राग शब्द 30, अष्टपदियां 2, शंत 2। राग माज शब्द 43, अष्टपदियां 5। गौड़ी अंदर 172 शब्द, 15 अष्टपदियां, 4 शंत। आसा राग अंदर 163 शब्द, 2 अष्टपदियां, 14 शंत। राग गुजरी अंदर 32 शब्द, 2 अष्टपदियां। राग देवगंधारी अंदर 38 शब्द। राग बिहागड़ा अंदर 1 शब्द ते 9 शंत। राग वड़हंस अंदर 9 शब्द ते 3 शंत। राग सोठ अंदर 94 शब्द ते 3 अष्टपदियां। राग तनासरी 58 शब्द, 1 अष्टपदी, 1 शंत। जैसरी राग 13 शब्द ते अष्टपदी कोई नहीं ते 3 शंत। राग टोडी अंदर 30 शब्द, बैराड़ी अंदर 1 शब्द, तेलंग राग अंदर 5 शब्द, सुही राग अंदर 58 शब्द, 5 अष्टपदियां अते 11 शंत। बिलावल अंदर 129 शब्द, 2 अष्टपदियां, 5 शंत। राग गौंड अंदर 22 शब्द, 1 अष्टपदी। रामकली राग अंदर 60 शब्द, 8 अष्टपदियां, 6 शंत। नट नारायण 10 शब्द, माली गौड़ा 8 शब्द, मारू अंदर 32 शब्द ते 6 अष्टपदियां। राग तुखारी अंदर 1 शंत। केदारा अंदर 15 शब्द, 1 शंत। भैरू राग अंदर 57 शब्द, 3 अष्टपदियां। बसंत राग अंदर 21 शब्द ते 2 अष्टपदियां। सारंग राग अंदर 139 शब्द, 2 अष्टपदियां। राग मलार 30 शब्द, 1 शंत। कानड़ा अंदर 50 शब्द, 1 शंत। कल्याण राग अंदर 10 शब्द। प्रभाती अंदर 15 शब्द ते 3 अष्टपदियां। शब्दां दा कुल जोड़ 1345, अष्टपदियां कुल 62 ते शंत भी 62। वारां दीआं पौड़ियां दा वेरवा। गौड़ी अंदर 21, गुजरी अंदर 21, जैसरी अंदर 20, रामकली अंदर 22, मारू अंदर 23, बसंत अंदर 3 ते कुल जोड़ 110। नोट, इन्हां तों इलावा गौड़ी की वार महला चौथा विच 5 पौड़ियां, सारंग की वार महला चौथा विच 1 पौड़ी, मलार की वार महला पहला विच 1 पौड़ी गुरु अर्जन साहब जी दीआं हन। कुल जोड़ पौड़ियां दा 117 है। ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਵੜਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੋਠ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, 9 ਵਾਰਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ 1। ਨੰਬਰ 2 ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ। ਨੰਬਰ 3 ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਸਲੋਕ। ਨੰਬਰ 4 ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਸਲੋਕ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਲੋਕ। ਨੰਬਰ 6 ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਲੋਕ। ਨੰਬਰ 7 ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਸਲੋਕ। ਨੰਬਰ 8 ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਲੋਕ। 9 ਨੰਬਰ ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਸਲੋਕ।
नंबर 10 सारन की वार महला चौथा विच 3:1 पौड़ी। नंबर 11 विच मलार की वार महला तीजा विच 2:1 पौड़ी। कुल जोड़ 255:7 पौड़ियां ते सलोक वारां ते वधीक ते कुल जोड़ 277। सलोक कबीर जी विच सलोक नंबर 209, 10, 11, 214, 221, 5 सलोक गुरु अर्जन साहब दे हन। सलोक फरीद जी विच सलोक नंबर 75, 82, 83, 105, 108, 109, 110, 111, 8 सलोक। गुरु अर्जन साहब दे कुल सलोकां दा जोड़ 277+5+8 कुल 290 सलोक। गुरु अर्जन साहब जी दी शख्सियत सहनशीलता बीरबल आदक जात अभिमानी ब्राह्मणा दी शह अते निजी ईरखा दे कारण बाबा पिरथी चंद जी ने गुरु अर्जन साहब उत्ते अनेकां बदीतियां कीतियां पर उह सदा खिड़े मत्थे जरदे रहे। बाबा पिरथी चंद जी ने कई महीने अमृतसर गुरु घर की नाकाबंदी कीती रखी। सतगुरु जी की यह सहनशीलता ही सी जिस दे असर हेठ कोई सिख भी विरोधियों नाल खरवा ना हो सकया। जदों गुरु के दरबार की माइक आमदन नाम मात्र ही रह गई अते सत्ता बलवंड रबाबी भी होशे रवैये ते आ उतरे तदों भी गुरु अर्जन साहब ने उस नरादरी नूं बड़े ठंडे जिगरे ते गंभीरता नाल सहारिया। उस वेले सतगुरु जी की उम्र 18-19 सालां दी ही सी। इस उम्र के गभरू का लहू रता को भी हौले सलूक नाल जोश विच आ जांदा है पर रब्बी नूर गुरु अर्जन साहब का जिगरा समुंदरां वर्गा सी कदे भी मत्थे उत्ते वट नहीं पैण दिता। गुरु अर्जन साहब के इको एक साहबजादे बालक हरगोबिंद साहब जी सन। इन्हां दी बाल जिंद उत्ते बाबा पिरथी चंद जी ने 3 वारी निर्दई वार कराए। अमृतसर दे वसनीकां विच इतनी हाहाकार मची सी कि शर्म दे मारे बाबा पिरथी चंद जी शहर छड के अपने सहुरी पिंड हीरी चले गए। आंदरा नूं इतना निर्दई हाथ पिया भी की मजाल के गुरु अर्जन साहब दे मत्थे त्यूड़ी पई होवे। उन्हां दी सूरत तां माझे दे उन्हां विलक दे जतीम बच्चियां वल ही लगी रही सी जिन्हां दे मापे उन्नी दिनी भयानक काल दा शिकार हुंदे जा रहे सन। आपा वारन दा इश्क दूजियां वास्ते जीउणा इही है रब्बी धर्म पर इह कोई सौखी खेड नहीं। आपा वारन तों बिना गैरां नूं आपणे बणाया नहीं जा सकदा। इस खेड विच गुरु अर्जन साहब दा इश्क अखीरली अवधि उत्ते अपड़िया होया सी। सन 1595 विच पंजाब विच काल पिया बड़ी भयानक औड़ लगी। 3-4 साल दी औड़ नाल दुनिया तरा तरा कर उठी। भुखे मरदे कंगालां उत्ते उत्तों मौसमी ताप ते सीतला ने आ वार कीते। इसे ही साल बालक हरगोबिंद साहब का जन्म होया सी। इस बाल जिंदड़ी नूं पंगूड़ियां दी लोड़ सी पर वेखो इश्क खलकत दी सेवा करन दा भुखियां ते रोग ग्रसियां नूं मौत दे मूहों बचाउण लई अपने जिगर दे टुकड़े इस कोमल जिंदड़ी नूं उत्थे उत्थे लई फिरदे रहे जिथे ताप ते सीतला दी होणी दा राज सी। सन 1598 विच लाहौर शहर तां सचमुच नरक बणिया पिया सी। मुरदियां दे ढेर गलियां बाजारां विच लगे रहिंदे सन। त्रिकहाण इतनी कि कोई मूँह नहीं सी उधर कर सकदा पर तक्को मरदानगी गुरु अर्जन पातशाह जी दी गली गली घर घर जा के मौत नाल घुलदे बंदियां नूं हल्ला शेरी ते दवा दारू देंदे रहे। 8 महीने उत्थे रहे। उत्थे भी कोमल जिंदड़ी बालक हरगोबिंद साहब नाल ही सन। इस लंबी कुरबानी का ही नतीजा सी कि आखिर गुरु हरगोबिंद साहब नूं भी शीतला ने आ दबाया सी। गुरु अर्जन साहब जी की तालीम उन्हां दियां जीवन साखियां विचों भाग ऊड़ा खालक खलक में नंबर 1 भाई बहलो। जदों संतोख सर अते फिर दरबार साहब की इमारत वास्ते इटां पकाण लई आवे चाढ़े जा रहे सन तां एक वारी जिक्र चलिया किसे आदमी ने गुरु अर्जन साहब नूं इह दस्या कि जे आवियां विच मैला पाया जावे तां इटां बहुत वधिया पकदियां हन। सिख श्री दरबार साहब वास्ते बड़े उत्साह नाल सेवा करदे सन पर इस नवीं तजवीज़ उत्ते अमल करना कोई सौखी गल नहीं सी। मैला आदक चुकण दे नीमे काम हिंदू समाज ने उन्हां गरीबां दे सपुरद कीते हुए सन
जिन्हां नूं अत नीवी श्रेणी दे शूदर कहा जांदा सी। इन्हां ही गंदे कम्मां दे कारण साऊ लोक उन्हां तों नफरत करदे सन। किसे सिख नूं हिया ना पए कि वधिया इट्टां दी खातर चूड़ियां वाला काम करन लग पवे। मालवे दा एक सिख भाई बहलो गुरु अर्जन साहब जी दा दर्शन करन अमृतसर आया। ये बहलो जन्म दा जट अते सरवरिया सी, साल दे साल निगाहे जांदा सी। गुरु अर्जन साहब की प्रेरणा नाल यह सिख बनिया सी। अमृतसर दर्शन करन आया इसने दरबार साहब की इमारत बनती वेखी। जदों पता लगा कि वधिया इट्टां तैयार करन दी खातर मेला आवियां विच पाउणा चाहीदा है तां भाई बहलो ने मेला इकट्ठा करके आवियां विच पाउण दी सेवा शुरू कर दित्ती। जिसने आप मेला चुकना शुरू कर दिता वह मेला चुकन उत्ते मजबूर किते हुए गरीबां तों किवें नफरत कर सके। भाई बहलो दी काया ही पलट गई। गुरु अर्जन साहब ने जदों भाई बहलो दा जीवन वेख्या तां उसनूं परे दीवान विच अपने पास सद्या, प्यार कीता ते आख्या, भाई बहलो सब तों पहलों सतगुरु जी ने सिख धर्म दा प्रचार करन लई भाई बहलो नूं मालवे दा मसंद पाप प्रचारक बना दिता। नंबर दो, पंडित गंगा राम। गंगा राम बठिंडे दे इलाके दा वपारी सी। ऊठां उत्ते आन लद के दूर नेड़े दे इलाकियां विच वेच आउंदा सी। एक बारी गंगा राम बजरी लद के अमृतसर ले आया। अमृत सरोवर विच दरबार साहब की इमारत बन रही सी। सैकड़े हजारां सिख हथी सेवा कर रहे सन। लंगर विच भी गहमा गहमी सी। लोहां तप रहीआं सन ते रोटियां पक रहीआं सन। गंगा राम अमृतसर दो चार दिनां लई अटक गया। सबब नाल इक डंग लंगर विच अन्न दी कुछ थोड़ जिही हो गई। सिखां दी प्रेम भरी सेवा वेख के गंगा राम दे दिल नूं खिच पै चुकी होई सी। सोचिया कि सारी उम्र अपने वास्ते ही कमांदा रहा हाँ, अज मौका बणिया है, होरना दी सेवा भी क्यों ना कर लवां। यह सोच के गंगा राम ने सारी बाजरी लंगर विच दे दित्ती। आप भी लंगर विच सेवा करन लग पिया। एक दिन सतगुरु जी उस नूं बाजरी दा मुल देण लगे तां उसने ना कर दित्ती। अर्ज कीती जे हुण दिंदे हो तां खलकत दी सेवा ते परमात्मा दी याद ही बख्शो। गंगा राम दा जीवन सेवा दा सदका इतना उच्चा होया कि गुरु अर्जन साहब ने उस नूं बठिंडे दे इलाके दा प्रचारक थाप दिता। नंबर तीन, भाई मंझ। मंझ हुशियारपुर दे इलाके दा रहण वाला सी अते सखी सरवर दा चेला सी। गुरु अर्जन साहब दी मेहर दी निगाह नाल इह सिख बणिया सी। फिर निगाहे जाण दे थां मंझ ने जीवन किरण अमृतसर तों हासिल करनी शुरू कीती। सरोवर तैयार हो रहे सन। मंझ भी जदों अमृतसर आया गुरु के लंगर वास्ते बालण इकट्ठा करन दी सेवा कीती। सेवा इश्क दे दर्जे उत्ते जा पहुंची। सिख इतिहास लिखता है कि गर्मियां दी रुते एक दिन लौडे पैर मंझ अमृतसर तों चढ़दे पासे सुल्तानविंड पिंड दे नेड़े बालण चुण के पंड सिर उत्ते रख के शहर वल तुरन लगा तां बड़ी सख्त हनेरी आ गई। रात खेड़ा दिसणों रह गया। मंझ बालण दी पंड नूं सिर उत्ते संभाली तुरिया आ रहा सी कि खूह दी इक डल विच डिग पिया। ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੰਝ ਨੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਰਾਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਖਬਰ ਕੀਤੀ। ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਮੰਝ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਝ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਝ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਣੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਮੰਨਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬਣਿਆ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ। ਧਰਮੀ ਸਰਦੇ ਪਾਜਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖਲਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਆਂ ਨੂੰ ਛਬੀਲੀਆਂ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਿੰਡ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਛਬੀਲੀਆ ਉਸ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਦਿ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਥਾਈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ ਲੰਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੂਠੇ ਡੂਨੇ ਹੀ ਫਰੋਲਦੇ ਅਤੇ ਚੱਟਦੇ ਹਨ। ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਚੋਭ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨਰਾਦਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨ 1598 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਜਿਆ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੰਧੋਂ ਪਾਰ ਖਲੋਤੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਹੀ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਚੱਟਣ। ਦਿਨ ਸਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਪਲਮ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਪਗ੍ਰਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗ ਐੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੂੜੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਪੈਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਕਾਂ ਪਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੱਥ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜਦਾ ਰਸੂਖ ਮੁੜ ਜਵਾਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਪੰਡਿਤ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ। ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਨ ਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ ਲੱਭ ਕੇ ਯੋਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਤੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਟੱਕਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੀਂਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਸ਼ਗਨੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਿਆ। ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹਾਸਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਹੂਰਤ ਇਤਨੀ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹੀਂਗਣ ਨਾਲ ਰੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ते जे धर्म पुस्तकां विच शरदा नहीं बन सकदी तां इस नूं पढ़न दी सिरख पाई तों भी कोई लाभ नहीं निकलदा। लेखक प्रोफेसर साहिब सिंह आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। गुर इतिहास सुनन लई यूट्यूब चैनल गुरजंट सिंह रूपोवाली सबसक्राइब करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।